Welcome back to Blade Learner. I'm Manu again, and today we will be looking at the second chapter of our human geography textbook. Last time हमने discussion किया था on this relationship between humans and geographical phenomena. Humans और geography का हमने relation देखा था. We were discussing कि कैसे ये relations evolve हुए एंड अभी हम किस सिचुएशन में हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आए तो. ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन सी मेन टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी मेन थीम्स हैं. पॉसिबिलिज्म हमने डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस्ड एनवायरमेंटल मटेरियलिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, द मार्क्सिस्ट इन मी We'll put up something like materialism. And we had discussed neo-determinism. तो ये सारी चीजें हमने देखी थी. तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, आप जरूर देख के आए उस वीडियो को, तो आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इस किताब में हम क्या करने वाले हैं. राइट, द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू गिव मी सम फीडबैक कि हम तेज तो नहीं चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, क्या मैं तेज पढ़ा रही हूँ, धीरे पढ़ा रही हूँ. ये फीडबैक आप देंगे. किसी ने लास्ट वीडियो में फीडबैक दिया था दैट आई शुड टीच वाया दी एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी खोल के आई शुड यू नो थ्रू द पैराग्राफ्स एंड लाइंस आई शुड एक्सप्लेन यू दी चैप्टर्स. तो आप लोग सजेस्ट करेंगे, अगर ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो वी विल ब्रिंग दैट एज वेल. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क नाउ. आज हम जो चैप्टर देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले वी आर गोइंग टू लुक एट सम क्वेश्चंस, नॉट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बट वी आर गोइंग टू लुक एट सम एमसीक्यूज एंड यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर्स. लास्ट टाइम मुझे याद है दैट आई हैड आस्क्ड टू क्वेश्चंस. आई हैड आस्क्ड यू गाइज व्हाट इज एन इकोलॉजिकल नीश एंड आई हैड आस्क्ड यू डेमोग्राफिक डिविडेंड. मुझे कोई भी कॉमेंट नहीं आया रिगार्डिंग दिस कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, इकोलॉजिकल नीश क्या है. इसमें तो मैंने हिंट नहीं दिया था. तो या तो आप लोग पूरे लेक्चर्स ही देख रहे हैं या फिर आप इसे बहुत लेजी वे में अप्रोच कर रहे हैं. ऐसे आपको अप्रोच नहीं करना है, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने से आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगी. ऑलराइट, तो नेक्स्ट टाइम से आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन पे. इनफैक्ट अभी भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स पे कि इकोलॉजिकल नीश और डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट क्लास. ठीक है, पिछले चैप्टर में जो हमने किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम एंड यू आर गोइंग टू थिंक एंड यू आर गोइंग टू आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डीलिंग विद इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी. तो अक्सर क्या होता है, हम ये डज नॉट हम रीड करेंगे और ये डज नॉट अपने आप गायब हो जाता है हमारी आंखों के सामने. वी डोंट इवन सी इट, वी रीड इट एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब ज्योग्राफी, और हम इसमें से ये टिक करके आ जाते हैं, ये टिक करके, कुछ भी हम टिक करके आ जाते हैं, विच इज करेक्ट टू अस, बट एक्चुअली में क्वेश्चन के हिसाब से तो वो गलत हो गया ना. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी आपको देखना है, जो कि ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता, जो कि गलत लगेगा आपको कि ये क्या है, देख के आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है. गलत जो है वो इस क्वेश्चन में सही है क्योंकि डज नॉट पूछा गया है. ठीक है, डिस्क्राइब्स ज्योग्राफी नहीं पूछा गया है. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी. इट इज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, इज नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डिवेलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये आपको बताना है कि इसमें से विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, क्योंकि ये गलत बात बोल रहा है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ज्योग्राफी को, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से क्या डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ज्योग्राफी को, एंड इट इज दिस. नाउ व्हाई इज दिस द आंसर, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको 10 करोड़ बार बताया था इन लास्ट चैप्टर कि ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो इंटीग्रेशन के बारे में. ठीक है, इंटीग्रेशन किसके बीच का, ह्यूमंस और ज्योग्राफी.
ह्यूमंस और एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका लैंड फॉर्म्स, ओशंस, एटमॉस्फेयर, इन सब के बीच का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये हमने करोड़ों बार लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को रीइटरेट किया था, रिपीट किया था, तो ये तो सही है. पर पूछा गया है क्या डिस्क्राइब नहीं करता, ये तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, तो ये इसलिए करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये गलत हो गया, क्योंकि डज नॉट पूछा गया है. स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. यस, इंटीग्रेटिव अप्रोच में ये चीज भी है कि इंटीग्रेटिव अप्रोच में आप ये तो देख ही रहे हो ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के बीच का इंटीग्रेशन, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट ज्योग्राफी एंड उसके सब फील्ड्स एंड उसके सिस्टर डिसिप्लिन्स. कौन कौन से थे सिस्टर डिसिप्लिन्स? इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गया, आपकी इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी एंड सो ऑन. लास्ट चैप्टर में हमने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा था, तो यू शुड वॉच दैट इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस. सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म? ये तो लास्ट टाइम भी नहीं किया था. ये उसी सेम चीज को जो हम कह रहे थे कि डिबेट्स हैं ज्योग्राफी में काफी, किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच जब करते हैं ना तो उसमें बड़े डिबेट्स इमर्ज होते हैं. कुछ रिसर्चर्स या ज्योग्राफर्स कहते हैं कि नहीं, देखने का ये नजरिया सही है, ये पर्सपेक्टिव सही है. कुछ कहते हैं नहीं, ये पर्सपेक्टिव सही है. हमने देखा था थियोराइजिंग वाला पार्ट, कुछ कहते हैं थियोराइज करो, कुछ कहते हैं डिस्क्राइब करो. तो क्या हो गया ये डुअलिज्म का क्या मतलब होता है? डुअल, दो मुहा, डुअलिज्म, कई उसमें डिबेट्स निकल के आए, उसमें काफी डिबेट्स आए थे. और हमने नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सब भी देखा था. तो इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, इनफैक्ट डुअलिज्म से ज्यादा इसमें डिबेट्स आए थे. तो ये तो करेक्ट ही है, इट इज सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म. तो आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये तीनों. नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या बोल दिया इसने? ज्योग्राफी इज नॉट रेलिवेंट. अगर ज्योग्राफी रेलिवेंट नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी? टेक्नोलॉजिकल टाइम्स हैं, आई एम टीचिंग यू थ्रू टेक्नोलॉजी. लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि कैसे विद द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन एंड द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ज्योग्राफिकल फिनोमेना पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लैंड फॉर्म्स पे, लैंड यूज कैसे चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ वॉट लैंड यूज एंड एवरी थिंग एल्स हैज चेंज्ड ड्यू टू वॉट अर्बनाइजेशन, developments in the agrarian field, in the agrarian sector, services sector. The world has changed. The world has become a technological world now. Nature has become a human being, humanization. ठीक है, और किस हद तक पहुंच गए कि अब हम climate change की बात कर रहे हैं इस जमाने में. So I don't see why geography will all of a sudden become irrelevant. तो ये स्टेटमेंट पक्का गलत है, पर इस आंसर के हिसाब से सही है, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ज्योग्राफी को डिफाइन नहीं कर रही है. तो ये स्टेटमेंट है जो नहीं कर रही है ज्योग्राफी को डिफाइन. इट्स सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन. Travelers' accounts, old maps, samples of rock materials from the moon and ancient epics. तो आप लोग इसका जवाब देंगे. Which of the following is not? यहाँ पे भी same चीज करी गई है. They are saying which is not a source of geographical information. Traveler's account, old maps, ancient epics, sample of rock materials from the moon. जल्दी जल्दी सोचेंगे एंड कॉमेंट सेक्शन पे लिखेंगे कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा है. All right.
So the correct answer is samples of rock materials from the moon. अब लोग बोलेंगे ट्रैवलर्स अकाउंट कहाँ से ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, क्यों नहीं, एल बेरूनी आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री की आपकी किताब में होगा थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, फर्स्ट चैप्टर ही आई थिंक मिडीवल की बुक। फिर आपका आ जाता है ओल्ड मैप्स, क्यों नहीं, यू हैवंट हर्ड ऑफ पीपल हु हैव बीन क्रिएटिंग मैप्स टू अंडरस्टैंड इंडिया, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। नेविगेशन के बारे में मैंने बात की थी, रूट्स, सी रूट्स के बारे में बात की थी, वास्को डी गामा, कोलंबस, तो कैसे नहीं है, इससे तो बहुत कुछ पता चल रहा है अबाउट ज्योग्राफी, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि दीज आर सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन में पूछा है नॉट। देन वी हैव एंशिएंट एपिक्स, एंशिएंट एपिक्स में तो हिस्ट्री की बात हुई हुई है, मिथोलॉजी भी कहते हैं कुछ लोग कि ये सब तो हुआ ही नहीं था, झूठ लिखा हुआ है, मिथ्स हैं ये सब, इमेजिनेशंस हैं, ओरिजिन मिथ्स हैं, बट कुछ ना कुछ तो उसमें हिस्ट्री से भी ओरिएंट एम्बेडेड है, क्यों, क्योंकि किसी ने लिखी है ये पास्ट में, राइट। तो एंशिएंट एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण, इनमें भी आपको ऐसे सिटीज का मेंशन होगा जैसे इंद्रप्रस्थ विच इज नियर दिल्ली और अयोध्या, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कुछ तो ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है। लंका, रावण की बात करते लंका की बात हुई थी, ये क्या था, श्रीलंका। सो यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी ज्योग्राफिकल लैंडस्केप एनवायरनमेंट, तो ये भी हो गया सोर्स। तो सैंपल्स फ्रॉम द मून क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो है ना, आप डेफिनेशन पे अगर ध्यान दोगे तो अर्थ से ओरिएंटेड है, अर्थ एंड द एटमोसफियर, एंड दो we want to understand about satellites and information technology, ये सब समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं, पर उसका relation सीधा सीधा human से हो, earth से हो, वो एक important aspect है, ठीक है। ये moon के बारे में ज़्यादा हमें information देख रहे हैं, rock materials from the earth होता तो आप कहते कि हाँ ये information दे रहा है about, it is a source of information about the earth, जियोलॉजी भी कहते कभी कभी रॉक मटेरियल्स को समझना, समझने को, तो दैट इज वाई ये मून के बारे में हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, अर्थ के बारे में नहीं, तो दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज, ऑलराइट। एंड ये साइंस का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, फिर ये साइंस हो जाता है, ऑलराइट। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट, and that is the contents of the new chapter जो अब हम करने वाले हैं, population, ठीक है। तो ये chapter काफी interesting रहेगा क्योंकि हम इसमें directly human geography को अब approach कर रहे हैं, कोई introduction नहीं ले रहे, कुछ philosophical या abstract चीजें नहीं होंगी, अब हम सीधा जो practical बातें हैं उन पर आने वाले हैं। तो patterns of population distribution आपका first है, तो मैं basically I'll just you know, move you through the contents कि हम इस chapter में क्या क्या करने वाले। पहला तो है patterns of population distribution in the world, तो patterns of population distribution, population को आप vaguely क्या imagine करोगे, population क्या होता है, population is people, simple भाषा में तो यही होता है, बाकी जो actual definitions वगैरह है वो हम देखेंगे आगे, पर आपने imagine किया population is people, ठीक है। तो उन्हीं की distribution के बारे में हम देखेंगे कि कौन कहाँ लोग रहते हैं, किस मात्रा में रहते हैं, डेंसिटी, क्यों इस मात्रा में रहते हैं किसी रीजन में, क्यों दिल्ली एक पॉपुलेटेड सिटी है, क्यों इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, क्यों फिजी में इतने लोग नहीं रहते, है ना। तो ये सब कंपैरिजंस होगा, और ग्रोथ की, पॉपुलेशन की इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है, ग्रोथ रेट, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, डेथ रेट्स, बर्थ रेट्स, राइट। So we will be understanding the overall dynamic. So pehla hai patterns of population distribution in the world. Then you have your density of population. Factors kya the jo responsible hai is tarah ke pattern ke liye, is tarah ki distribution ke liye. Population growth, I just discussed all of this. Components of population change. Kyun ekdam se kisi region ki population डिप कर जाती है और किसी रीजन की पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज होती है। देन यू हैव माइग्रेशन,
माइग्रेशन तो इज अ मेन स्टे. देन वी हैव ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट. अगला जो चैप्टर होगा इट विल बी अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो उन इन दोनों चैप्टर्स को आपको साथ में पढ़ना है. दे आर वेरी इंटर रिलेटेड, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर में कवर नहीं हुई थी वो नेक्स्ट में होंगी. तो थर्ड सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आर टुगेदर टू बी स्टडीड टुगेदर. देन वी हैव डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. अगर हमारी पॉपुलेशन आज इतनी है तो उसे डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 1 साल, 3 साल, 10 साल, वो देखेंगे हम. स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. लास्ट टाइम हमने स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था. क्या होता है स्पेशल? क्या होता है? वेन एवर यू रिप्रेजेंटिंग समथिंग ओवर स्पेस, सो दैट्स गोइंग टू बी योर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, राइट. तो स्पेशल पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का? क्यों बिहार में पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है और से अरुणाचल प्रदेश में नहीं हो रही? तो ओवर स्पेस आप देख रहे हो, एक तरीके से आप ट्रेंड को ही एनालाइज कर रहे हो ओवर अ स्पेस, ओवर रीजन, ठीक है. देन वी हैव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम पढ़ेंगे, जो कि आपको फिर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है बाय द वे. एंड वी हैव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, राइट. सो ये आपका लार्जली फ्रेमवर्क है इस चैप्टर का. नाउ वी मूव ऑन एंड वी लुक एट दी डेफिनेशंस. ओके, देयर इज सम मोर फूड फॉर थॉट फॉर यू. तो ये सारे मैं आपको होमवर्क देती रहती हूँ, बट इट विल बी यूजलेस अगर आप इसको सर्च नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं. अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज टू कल्टिवेट योर थॉट्स. कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो यू शुड बी प्रोवोक्ड, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि आपने ये लेक्चर सुन लिया पैसिवली, खाना खाते खाते सुन रहे हैं, कुछ और ब्रश करते हुए सुन रहे हैं, एंड आपका दिमाग कहीं और है ना. तो ऐसे नहीं होगा दैट यू आर डूइंग 5,000 थिंग्स एंड यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. दिस इज नॉट एजुकेशन. इफ यू आर रीडिंग एनी थिंग, वॉचिंग एनी थिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा और आपको सोचना होगा कि अच्छा हमने ये पढ़ा तो वाई आर वी स्टडिंग दिस, ये क्वेश्चन आया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो सकता है. कभी कभार तो सोचना ही चाहिए इस तरीके से. सो हियर इज सम फूड फॉर योर थॉट कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है और डिवेलप हो, मच्योर हो. वाई डू पीपल प्रिफर टू लिव इन सर्टन रीजन एंड नॉट अदर्स? इस पर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यों कुछ लोग अमेरिका में रहना चाहते हैं, बहुत से इंडियंस, या कैनेडा में रहना चाहते हैं, और क्यों माइग्रेशन हो रहा है टूवर्ड्स अमेरिका एंड कैनेडा एंड द यूके. वॉट इज दिस अमेरिकन ड्रीम? क्यों ऐसा क्या हो गया अभी? यू नो वाई डू पीपल लिव इन सिटीज? ये पूरी बुक, ये दोनों बुक्स इनफैक्ट ज्योग्राफी की जो 12th में है, ये काफी थॉट प्रोवोकिंग है. आपको अर्बनाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको जो IT डिवेलपमेंट्स हो रही हैं, सर्विस डिवेलपमेंट्स, उससे कैसे हम लोग डील कर रहे हैं, टर्शरी एक्टिविटीज जो होती हैं क्वार्टरनरी, वो सब होंगी, और आपकी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे. सो दिस इज, दीज टू बुक्स आर वेरी प्रैक्टिकल. ये बहुत ज्यादा ना करंट अफेयर्स और आपकी जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड है, ठीक है. तो आपको सोचना ही पड़ेगा, वाई डू पीपल प्रिफर टू लिव इन सर्टन रीजन एंड नॉट अदर्स? क्यों कुछ लोग रहना चाहते हैं? कई लोग DU आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, आप लोग भी जाना चाहते होंगे, है ना. कई लोग अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं. क्यों? व्हाट आर द रीजंस? व्हाई आर सम प्लेसेस मोर पॉपुलेटेड देन अदर्स? तो ये आपको कमेंट्स में 2 लाइन में, 3 लाइन में मेंशन करना चाहिए, ठीक है. तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, आप आराम से बैठ के इस होमवर्क को करेंगे एंड कमेंट्स में आप मेंशन करेंगे, ओके. एंड डू यू थिंक यू बिलोंग इन योर सिटी एंड व्हाई? ये आप सोच सकते हो. यू डोंट हैव टू मेंशन दिस इन द कमेंट्स, बट ये आप मेंशन, ये आप अपने मन में सोच सकते हो, ओके. And perhaps you can have a discussion on the Telegram group. You know, why do you think कि आप जिस शहर में रहते हो you belong to that city? क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हम किसी शहर में रहते हैं, whether it's a big city or it's a small town, and we feel we don't belong here. कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पहाड़ों में रहना चाहते हैं, they don't feel that they belong to Delhi or Mumbai or any metropolitan cities. They think they belong to a rural lifestyle. और मोर हिमालयन पहाड़ी लाइफ स्टाइल. एंड कई ऐसे लोग हैं जो
स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, दे वॉन्ट टू यू नो लिव इन मुंबई एंड दे वॉन्ट टू लिव इन न्यूयॉर्क, है ना? तो डू यू थिंक कि आप जो शहर में रहते हैं यू बिलोंग टू दैट सिटी? ओके, यू कुड परहैप्स राइट एन एसे फ्रॉम अ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे इन द कॉमेंट्स. जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, दिस यू हैव टू आंसर कि वाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सर्टन रीजन्स एंड नॉट अदर्स. तो पूरा चैप्टर तो हम कर ही देंगे, उसी में आंसर आपको मिल भी जाएगा. तो एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे 5 पॉइंट्स का, ठीक है? एंड एवरी वन इज गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज, राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट. तो एक सिंपल डेफिनेशन हमने शुरू में ले ली थी. वॉट वॉज दैट डेफिनेशन? पॉपुलेशन इज इक्वल टू पीपल, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट इट इज. कुछ ज्यादा नहीं है, बट वेन यू आर राइटिंग इन द एग्जाम यू हैव टू मेक इट अ सर्टन वे. तो ये रही वो डेफिनेशन. पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. ऐसे नहीं लिख दोगे पॉपुलेशन इज पीपल, ये इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे मार्क्स काट ही लेंगे एग्जामिनर. आपको ढंग से लिखना है, राइट? यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस. सोशल साइंस का मतलब है, तो आपको लिखना है पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. यू कैन ऑल्सो राइट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, इन अ पर्टिकुलर पीरियड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये भी लिख सकते हो साथ, ठीक है? एनसीईआरटी में उतना ही है, तो आप उतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम भी डाल सकते हो, नहीं भी डालो तो इट्स ओके. ठीक है, तो ये हो गई आपकी पॉपुलेशन. मैं आप सब लोग हम क्या हैं? वी आर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट? वी आर द एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ एंड द वेल्थ ऑफ द कंट्री. ह्यूमन रिसोर्स है ना, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज, ये सब हम पढ़ते हैं, है ना? मटेरियल रिसोर्सेज, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज. उसी तरीके से होता है आपका एक्चुअल जो हम पीपल हैं उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तो ये रहे आपकी ह्यूमंस. डिवर्सिटी जो दिख रही है आपको यहाँ पे. पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसलिए हमारा ये चैप्टर भी निकल के आया, क्योंकि हम यहाँ पे पैटर्न्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, और बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी से अफेक्टेड है. आप कॉमन सेंस के थ्रू सोचो, ये पूरा जो बुक है, ये पूरी दोनों बुक्स कॉमन सेंसेस में काफ़ी आ रहा है. इन योर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इन योर हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि आपके डेजर्ट्स हो गए, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है? अगर ये रीजन है पूरा, ये आपका टुंड्रा रीजन है, ये मान लो हिमालयस का रीजन है, आपके पहाड़, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ होती है अक्सर? ऐसे है आपके माउंटेन्स, तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होगी. एक पेन डिफरेंट यूज करते हैं. ये आपका पॉपुलेशन होगा वैलीज के बीच में होती है, ये आपकी पॉपुलेशन यहाँ रहेगी, ठीक है? यहाँ तो पॉपुलेशन होगी नहीं, यहाँ तो बर्फ होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन होगी. तो आप देख रहे हो स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन है. स्पार्स क्या होता है? दूर दूर. लेट्स टेक अनदर पेन. स्पार्स मतलब स्पार्स वर्ड लिख लो, ये काफी यूज होता है कि यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, बहुत दूर दूर है घर. सो दिस इज योर स्पार्सली पॉपुलेटेड, राइट? तो इन हॉट, इन द एक्सट्रीम कंडीशंस जो है आपका, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली हॉट है या तो, ठीक है, एकदम ड्राई, एरिड कहते हैं उसको, एरिड क्लाइमेट्स, या फिर एकदम कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट्स जो होते हैं आपके, टुंड्रा रीजन, हिमालयस का रीजन हो गया, एल्पाइन, सब एल्पाइन, ये सारे वर्ड्स लास्ट ईयर पढ़े होंगे आपने, ये आपको ब्रशअप करना है अगर याद नहीं आ रहा, ठीक है? या फिर एक्सट्रीमली रेनफॉल वाले रीजन्स भी कई बार आर नॉट दैट पॉपुलेटेड, जैसे कि आपके रेन फॉरेस्ट हो गए अमेजोन बेसिन में, यहाँ पे भी आपको इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी. यू विल फाइंड द एंडेमिक एंड इंडिजिनस पॉपुलेशन हियर, ट्राइबल्स मिलेंगे आपको, पर ऐसे कोई अर्बनाइज्ड नहीं हो रखा है वो एरिया. तो इन सब रीजन्स में पॉपुलेशन कम होती है, दूर दूर होती है, तो क्या डेंसिटी हो जाती है कम फिर? ठीक है, हम आगे के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं बाय द वे, तो हम वैसे मेथोडिकली चलते हैं, अदरवाइज मैं आगे की चीज़ें आपको पढ़ा दूँ. तो हम एक एक करके इसको और डिटेल में एनसीईआरटी में जिस तरीके से मेंशन है उसके थ्रू समझते हैं. पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया.
तो डेमोग्राफिक के बारे में इतनी बात हुई है तो आज हम खुद ही देख लेते हैं। आप लोग तो कमेंट सेक्शन में बता नहीं रहे हैं तो मैं ही बता देती हूँ क्या होता है। डेमोग्राफिक है, इट इज द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो डेमोग्राफी या डेमोग्राफी कुछ लोग जो इसे कहते हैं, इसका मतलब है स्टेटिस्टिकल स्टडी। स्टेटिस्टिकल क्या हो गया, नंबर्स के थ्रू स्टडी करना लोगों को, ठीक है, उसकी एनालिसिस लेना सोसाइटी की, यहाँ एजुकेशन का क्या सीन है, नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी, उस तरीके से एनालाइज करना। समझो जैसे कि ये है द रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, ये बिहार है, स्क्वायर में नहीं है बिहार, बट जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकल। तो यहाँ पे मैं समझना चाहती हूँ बिहार की लिटरेसी रेट। कैसे समझूंगी मैं लिटरेसी रेट को, मैं वैक्यूम में तो समझूंगी नहीं, लोगों के थ्रू समझूंगी। मैं स्कूलों में जाऊंगी, घरों में जाऊंगी, देखूंगी कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे, कौन एडल्ट्स पढ़ रहे हैं। एडल्ट लिटरेसी का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो इस तरीके से आई विल बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिमिलरली आई विल टेक अप लेट्स से, या आई विल टेक अप नेशन, ओके वेट अ सेकंड, सिमिलरली आई विल टेक अनदर क्राइटेरियन रिलीजन। मैं रिलीजियस अफिलियेशन को समझूंगी, डिफरेंट रिलीजन्स को समझूंगी इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो कैसे समझूंगी, थ्रू द पीपल, थ्रू द पॉपुलेशन, एनालाइज करूंगी घरों में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, कौन कौन से रिलीजन के लोग हैं। तो ये हो जाएगा आपका एनालिसिस स्टडी। तो इस स्टेटिस्टिकल स्टडी को जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम करते हैं उसे क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। हम पॉपुलेशन को समझना चाह रहे हैं कि इस पॉपुलेशन की एजुकेशन लेवल क्या है, नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी क्या है, बर्थ रेट्स क्या है, एजिंग है क्या, ये पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं या ज़्यादा जवान लोग रहते हैं, माइग्रेशन को समझेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इट सेल्फ, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या कहना चाहता है, तो यही देख लेते हैं। जैसे ये अर्थ है, ये आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट हो गए, ठीक है, जस्ट इमेजिन, एंड यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वॉट इज दिस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इट द वे पॉपुलेशन इज स्पेस्ड आउट ओवर द अर्थ और एनी रीजन फॉर दैट मैटर। तो इसमें कुछ बहुत नया तो हमने पढ़ नहीं लिया, इट इज समथिंग दैट वी हैव बिन रिपीटिंग सिंस वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द most populous countries in the world. This is interesting, this is facts. So we'll check out some facts. The most populous countries in the world, China is at number one. So ye to aap khud hi dekh lena, China hai, fir India diya hai, fir US. India ko keh rahe hain that it might surpass China next year. That is in 2023. Various reports are saying, you know, whether it's global reports or otherwise, that India might surpass China in terms of its population next year. So, you know, this is something that we will witness together if it happens. US, then Indonesia, so number 1, 2, 3, 4, 5, 6 is Brazil. Then we have Pakistan is on the 5th, 6th is Brazil, 7th China, then 8. So a lot of Asian countries in the mix, and some countries from North America as well. You have your US and Mexico here. Not many European countries, as far as I can see. Let me clear this. Yeah. So not many European countries except Russia. So we will see why. We will also look at the why and how. Now we will move on to the next more interesting of the mix. That is your density of population. ये थोड़ा आपको टेक्निकल लगेगा, इसमें बस आपको बेसिकली आप अंडरस्टैंड करो और फिर फॉर्मूला को देख लो, आई थिंक ओवरऑल पूरा क्लियर हो जाएगा व्हेन वी लुकिंग एट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कुछ इसमें बहुत नया नहीं है, इट्स बेसिकली लुकिंग एट द पॉपुलेशन जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉपुलेशन जो भी है अपॉन योर एरिया, राइट। दिस एंटायर मैप इज ऑल्सो इलस्ट्रेटिंग दैट, ये आपका पूरा एरिया आ गया है और यहाँ पर जितने लोग हैं,
दैट इज बेसिकली योर पॉपुलेशन डेंसिटी. यहाँ पे देखिए ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो एक ही बंदा बना हुआ है पे, और यहाँ कितने सारे लोग हैं. दीज आर दी पॉपुलेटेड रीजन. पर यहाँ देखो टिप पर देर इज बेयरली एनी वन दे हैव डिपिक्टेड. ऐसा नहीं है दैट नोबडी लिव्स हियर, बट दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोग ज्यादा कहाँ रहते हैं. इंडिया में देखो आप कितने सारे लोग हैं, लैंड इतना है पर लोग इतने सारे उसमें ऐसे भर गए. वाइल ऑन दी अदर हैंड लुक एट ग्रीनलैंड, लुक एट कैनेडा, अलास्का एंड ऑल दीज रीजन्स, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है. बिकॉज ऑफ वी विल लुक एट द रीजन्स वाई सम यू नो रीजन्स इन द वर्ल्ड आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड दैन अदर्स. उसके हम फैक्टर्स, हम रीजन्स देखेंगे कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, यू नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एवरी थिंग वी विल बी लुकिंग एट. बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द डेंसिटी, विच आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि उसका क्या मतलब है. तो इट इज़ यूजली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स. ऑल राइट, तो जैसे कि 100 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन 150,000 दी है, ठीक है. और डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है. तो ये क्या हो गया आपका एरिया, और ये क्या हो गया आपकी पॉपुलेशन जो दी हुई है. डेंसिटी अगर आता है एग्जाम में, यू विल जस्ट डू पॉपुलेशन अपॉन दी एरिया, एंड वट एवर योर आंसर इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी इन पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, तो ये यूनिट्स वगैरह आपको मेंशन करने चाहिए. आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ आएगा, बट इन केस यू नो समथिंग शोज अप, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. वट एवर पॉपुलेशन इज गिवन टू यू वो पर्संस में होगी, और एरिया विल बी इन स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट. एंड देन पॉपुलेशन अपॉन एरिया विल बी योर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दी फैक्टर्स. तो उसमें हम बात कर ही रहे थे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो आ गया है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ यू नो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो यहाँ पर यू विल सी अ बंच ऑफ फैक्टर्स. मोस्टली दीज फैक्टर्स आर यू नो फोर इन नंबर, मोस्टली मेजर वंस जो हैं. There are several factors, but we will be looking at the main four factors, और उसी के अंडर जो बाकी के सब factors हैं वो cover हो जाएंगे. And if you can think of any, you know, new factors or anything that you think influences the distribution of population, then you should write it down in the comment section. तो पहला जो हमारा factor है geographical factor, it is quite understandable. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. लैंडफॉर्म्स तो एक चीज़ है ही जो कि इन लोगों ने पूरा ब्रॉडली दिया हुआ है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट. वी नो दैट मोस्टली थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री इंडो गैंजेटिक रीजन जो है कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड रहा है बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल क्लोजनेस. फर्टाइल सॉइल कब होता है, जब आपका अनुवियल सॉइल होता है, ड्रेन होता है वाया द रिवर्स, राइट. सो गंगा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट रिवर वैली रीजन. देन वी हैव यू नो इवन इन माउंटेनस रीजन्स यू सी दैट दिस इज द रीजन विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, एंड यूजली रिवर्स ऑल्सो, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लो हियर. सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंशंट ह्यूमन नीड, ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है डिसाइड करने से पहले. इवन व्हेन यू मस्ट हैव नोटिस योर पेरेंट्स और एनीवन अराउंड यू रेंटिंग एन अपार्टमेंट और रेंटिंग अ फ्लैट, और यू इवन एज अ स्टूडेंट व्हेन यू विल यू नो रेंट एन अपार्टमेंट और यू वुड लिव इन अ पीजी और इन हॉस्टल, व्हाट यू विल नोटिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे पानी वगैरह सब अच्छा आता है या नहीं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट गेट्स थ्रोन इन, राइट. Now we move on to landforms, ठीक है. So we will be taking it in. इसमें ज़्यादा कुछ बहुत difficult नहीं है to understand. So आपको ज़्यादा panic करने की ज़रूरत नहीं है. We'll not repeat the same point again and again. Availability of water, good. The idea is that अगर exam में आता है what are the factors influencing population and the distribution of population, then you will write these factors. फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, अराउंड 4 to 5 points आएंगे, उसे आपको ब्रॉड करके ऐसे मैग्निफाई करके लिखना है. एंड सेकेंडली वन मोर थिंग, और कोई क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसकी अलग
सेगमेंट्स होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वॉट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और पॉपुलेशन डिक्लाइन. नेगेटिव पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी हम देखने वाले हैं. तो ब्रेस योर सेल्फ फॉर वॉट इज टू कम. राइट नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स तो आप क्लास 11 में पढ़े हैं, आपने बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ा है. तो हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. ऑल द फैक्टर्स दैट यू विल बी लुकिंग एट, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड रिलेटेड टू योर सेल्फ. कि अच्छा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ज्योग्राफी, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी देखें तो क्या क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है या लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं हमारे आसपास के, क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं. ठीक है, खुद ही सोचने से याद आ जाएगा कि अच्छा ये होता है एंड देन यू कैन जस्ट एक्सपैंड. ऐसे आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं कि दिस इज द कीवर्ड, ओके ज्योग्राफिकल फैक्टर वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, एंड देन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दैट. राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रिस्प पॉइंट्स में उसको प्रोड्यूस करें. एंड दैट इज द मेन एजेंडा. नॉट ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर वांट टू बिकम ज्योग्राफर्स, नॉट ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर लव ज्योग्राफी. ठीक है, द मेनी ऑफ अस हु एंजॉय अदर सब्जेक्ट्स एंड देर आर अदर्स ऑफ अस जिन्हें ज्योग्राफी बहुत पसंद है, ज्योग्राफी ऑनर्स भी करेंगे. बट आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी है कि किससे आप अपना सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ा सकते हैं, लेवरेज करना है अपॉर्चुनिटी को. ठीक है, तो ये हमने देखा. आप एग्जाम्पल देंगे, कोई भी आप चीज़ को मेंशन करेंगे कि ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या फिर आप लैंड फॉर्म लिखेंगे, आपको एक एग्जाम्पल देना है. जैसे इंडो गैंजेटिक बेसिन दे दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ये किताब है इसमें ज़्यादातर वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स हैं, तो आप वर्ल्ड से उठाकर देंगे. कोई जैसे आप कोई इंटरनेशनल रिवर दे सकते हैं, लंदन में थेम्स है ना, तो वैसे दे सकते हैं आप. ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको पता है तो दें, तो ताकि एग्जामिनर जो है इम्प्रेस हो जाए. राइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. नाउ यू डोंट नेसेसरली हैव टू राइट यू नो अबाउट सिटीज, एज आई सेड कि लंदन में थेम्स है. जहाँ सिटीज नहीं है, रूरल रीजन्स, वहाँ भी डेंस पॉपुलेशन हो सकती है. बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिटीज में हम देखते हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंस है. ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा लोग रहते हैं. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू दी लैंड फॉर्म्स. प्लेन्स है सबसे इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म, या फिर जेंटल स्लोप्स, दीज आर यूजली प्रेफर्ड बाई द पीपल. अगेन प्लेन्स में आपका सिटी क्रिएशन ईजी हो जाता है, अर्बन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं क्योंकि आपका टेरेन जो है इस तरीके से उबड़ खाबड़ नहीं है, हिली टेरेन नहीं है, डिफ़िकल्ट टेरेन नहीं है. तो अर्बन एक्टिविटीज़ होना, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होना और उसके चक्कर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ जाना बहुत ईजीली हो जाता है वेन योर ज्योग्राफिकल रीजन, द टेरेन वर्ड यूज़ करेंगे, इज स्मूथ, जो कि प्लेन्स के केस में होता है. ठीक है, तो आपकी मेजर सिटीज यूजुअली प्लेन्स पे होती हैं. राइट, दीज रीजन्स आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज. तो ये हमने देख लिया, तो आप ऐसे मेंशन कर दोगे. जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने मेंशन किया ए लैंड फॉर्म्स, ठीक है, फिर आपने मेंशन कर दिया बिकॉज, एंड प्लेन्स आपने लिखा, प्लेन्स में ब्ला 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 कि यू नो दे आर प्रेफर्ड बाय द पीपल बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर इज ईजियर टू डिवेलप. और यू कैन राइट यू नो, एंड देन यू विल राइट रोड्स, रोड नेटवर्क, एंड यू विल राइट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ठीक है, तो इस तरीके से ऑल्दो आई विल बी गाइडिंग यू इन हाउ यू कुड राइट आंसर्स, बट यहाँ पर भी यू नो ट्राई टू टेक डाउन सम इम्पॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू से answer writing or something like that whenever I mention, ya fir koi extra examples I mention, take that down. You will be getting the notes anyway, but you should still, you know, while you're watching the lectures, you should keep it handy with you. You know, you should keep adding stuff jo bhi main bol rahi hu. Wo mountainous regions humne dekh liya tha, mountainous areas ek to cold bhi ho jate hain, hilly terrain bhi ho jata hai, difficult terrain bhi ho jata hai, landslides bhi bahut common hoti hain, है ना, माउंटेनस रीजन्स में एवलांचेस भी देखने को मिलते हैं. ये सब क्या है आपने पढ़ा होगा इन क्लास 11, यू शुड नो दैट. राइट,
हिंडर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. यही सेम चीजें ना थ्रू आउट दिस बुक है. ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट थ्रू आउट दिस बुक नहीं है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी चैप्टर में है. ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएगा. यही सारी बातें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लिंक्ड होती हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अपने आप में, वही इस चैप्टर में है. तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स बाय द एंड ऑफ इट. फॉर दिस रीजन हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. स्पार्सली वर्ड आपको यूज करना ही है, ठीक है. व्हेन एवर यूर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन दो वर्ड होंगे, डेंसली पॉपुलेटेड और स्पार्सली पॉपुलेटेड, ठीक है. ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट हैं एक दूसरे के एंड ये आपको यूज करना है. स्पार्स पॉपुलेशन कैसे होगी, जैसे ये साउथ अमेरिका है तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे. ये तो डेंसिटी को डिपिक्ट कर दिया, ठीक है. किस तरीके से सिचुएटेड है, देखो दूर दूर दूर. आई विल एक्सप्लेन इट विद अ बेटर एग्जाम्पल. दिस इज अ पीस ऑफ लैंड. इमेजिन दैट कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ. तो आप देख रहे हो ज़्यादा लोग ही नहीं रह रहे, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, ये स्पार्स है, लोग दूर दूर रह रहे हैं, कम कम लोग हैं, दूर दूर रह रहे हैं. तो दिस इज स्पार्स. इंडिया में क्या है, उल्टा है. इंडिया में, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, आई कीप ड्रॉइंग द मैप ऑफ इंडिया एंड आई कीप ड्रॉइंग इट. ये एक रफ मैप है, ठीक है, दिस इज नॉट अ डिपिक्शन ऑफ इंडिया, बट दिस इज रफली योर मैप, ठीक है. तो ये आपका इंडिया का मैप हो गया. यहाँ पर इंडिया में क्या केस है, डेंस पॉपुलेशन है, ये रीजन बहुत डेंस है, लोग दूर दूर रह ही नहीं रहे, लैंड ही कम पड़ रहा है, लोग इतने सारे हैं, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है. मध्य प्रदेश रीजन में थोड़ी कम, बट यहाँ पे आपकी ज़्यादा है. यहाँ पर थोड़ी स्पार्स होगी क्योंकि माउंटेनस रीजन है, बट वैसे देख रहे हो आप काफ़ी पास पास लोग रह रहे हैं. तो इंडिया का ऐसे सिचुएशन है, ठीक है. तो स्पार्स वर्ड का भी मीनिंग अब हो गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर नेक्स्ट फैक्टर क्लाइमेट, जो कि मैंने बोला ही था आपको कैसे याद करना है. आप खुद को इमेजिन करो ना, आप कहाँ प्रिफर करोगे रहना, कहाँ पे आप सोचोगे कि प्लेन्स में रहे, माउंटेन्स में. यू नो वैसे नहीं होना है कि यू नो ड्रीमी होना है, आई लिव इन द माउंटेन्स और आई, नहीं नहीं नॉर्मली इमेजिन करो वेयर वुड यू वॉन्ट टू लिव गिवन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. यू विल वॉन्ट टू लिव इन प्लेन्स एंड सिटीज वेयर इट इज ईजियर टू ट्रैवल, transportation is easier, there is availability of water, climatic conditions are good. You would not want to live in a region that is extremely hot or extremely cold. Thoda moderation wale region mein rehna pasand karoge. To ab usi aspect pe hum aa gaye hain climate. Extreme climates are uncomfortable for human beings, such as extremely cold or hot. Similarly, areas with heavy rainfall do not attract people as such. ऐसा नहीं है दैट देर आर नो यू नो कोई रहता ही नहीं है, रेनफॉल जहाँ होती है बहुत ज़्यादा रहते हैं लोग, बट यूजली पीपल वुड प्रेफर एज अ होल, एज अ कलेक्टिव, एज अ पॉपुलेशन, एज अ ग्रुप, दे वुड प्रेफर टू लिव इन एरियाज विच मोस्टली हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. और इवन इफ देर आर एक्सट्रीमिटीज वो इतनी ज़्यादा ना हो, अगर एक्सट्रीम भी है तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही 24 घंटे बर्फ़ गिर रही है, 12 महीने बर्फ़ गिर रही है, या 12 महीने इतनी गर्मी है, राइट. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देन एरियाज विथ लेस सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट पीपल. बैंगलोर अट्रैक्ट पीपल अलॉट, ऑल्दो आजकल वहाँ बहुत बारिश हो रही है फॉर सम रीज़न, बट बैंगलोर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से देखें इज वेरी अट्रैक्टिव. डेली हैज़ सम फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, ज़्यादा एक्सट्रीम इतना एक्सट्रीम नहीं है कि बर्फ़ बर्फ़ गिरती है या बहुत गर्मी होती है, बट हाँ जब गर्मी होती है तो कंपेरेटिवली गर्मी ज़्यादा होती है, और सर्दी होती है तो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है. मेडिटेरेनियन रीजन इसलिए प्रेफर किया जाता है. कई कंट्रीज़ हैं यूरोप में हो जाती हैं, कई कंट्रीज़ मिडल ईस्ट में जो प्रेफर की जाती हैं लोगों के द्वारा, जो ज़्यादा पॉपुलेटेड भी होती हैं और उसे उनका क्लाइमेट बहुत सूदिंग माना जाता है. मेडिटेरेनियन डाइट भी बहुत पॉपुलर है बाय द वे. लाइक यू नो इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम यू नो इल हेल्थ, ऑफ्टन टाइम्स डॉक्टर्स विल सजेस्ट द मेडिटेरेनियन डाइट. मेडिटेरेनियन डाइट हैज अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लीन मीट्स एंड यू नो फिश, अ लॉट ऑफ फिश, कंसिडर्ड वेरी हेल्दी, चीज, हेल्दी फैट्स. एनीवे कीपिंग दैट असाइड, वील मूव ऑन टू द सॉइल्स. सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है.
जो कि उसी में लैंडफॉर्म में ही कहीं आप इमेजिन कर सकते हो. व्हेन यू थिंकिंग अबाउट लैंडफॉर्म्स ओके प्लेन्स, देन यू कैन आल्सो स्टार्ट टू थिंक अबाउट सोइल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए सॉइल इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट? तो फर्टाइल सॉइल्स, एज आई हैड सेड, जैसे इंडो गैंगेटिक बेसिन हो गया, वहाँ पे फर्टाइल रीजन है, फर्टाइल सॉइल्स हैं, तो हमेशा से इसलिए सिग्निफिकेंट रहा है. मौर्यन एम्पायर भी अगर आपको याद हो तो इस रीजन में बढ़ रहा था, ये इंडो गैंगेटिक बेसिन को कवर कर रहा था, क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, कनेक्टिविटी थी विद द रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, इट एक्टेड एज अ गेटवे. तो यहाँ पर हमारा फर्टाइल सॉइल्स हमने देख लिया फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. ये एलाइड एक्टिविटीज क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज, जो कि हम आई थिंक इट्स चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, विच हैज टू डू विद प्राइमरी एक्टिविटीज. नाउ एरियाज विद फर्टाइल लोमी सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम बिकॉज दीज आर एग्रीकल्चरली फ्रेंडली. ये आपके एक इमेज है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल. क्ले सॉइल में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं और दे आर डेंसली पैक्ड, ऐसे होता है. ये आपका सॉइल है, ऐसे ऐसे ऐसे, देर इज बेयरली एनी स्पेस इन बिटवीन, यू नो, फॉर वाटर टू ड्रेन और एनीथिंग लाइक दैट. वाइल इन सैंडी सॉइल्स इस तरीके से आपका कुछ होता है, बहुत स्पेस होती है. यू कैन सी दिस गैप, आई विल शो यू विद अनदर कलर्ड पेन. ये जो आपके गैप्स दिख रहे हैं, ये सैंडी सॉइल में बहुत होता है. तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि वट एवर वाटर इज पोर्ड ऑन इट, इट इज ड्रेन्ड वेरी इजीली. ठीक है, वाटर दिखा देते हैं ब्लू से, ऐसे जब भी पानी आता है इट्स जस्ट ड्रेन्ड, वो सॉइल उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता मॉइस्चर को. तो दैट इज वाई इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर, राइट? इट इज नॉट रिच इन ह्यूमस, दिस इज रिच इन ह्यूमस, राइट? मेनी टाइम्स इट हैपन्स आई प्रोनाउंस ह्यूमस इज हमस, बिकॉज हमस इज a food item that is eaten in the Middle East, by the way, considered very healthy again. But this is humus, okay? This is different than the hummus that we talk about. Humus content. Now, ye sab aap table ko dekhenge achhi tarike se, and we move on to the next segment, which is your economic factors. To abhi to humne geographical factors dekhe the, aur uske andar bhi humne sub factors dekhe the. Let's recap. हमने देखे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इससे पहले, और उसके अंदर हमने क्या देखा, वाटर के बारे में हमने पढ़ा था, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लैंडफॉर्म्स, प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स आर प्रेफर्ड, एंड देन वी हैड लुक्ड एट क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स नहीं पसंद है, एंड सॉइल्स, लोमी सॉइल्स, विच इज समथिंग इन द मिडल ऑफ सैंडी एंड क्ले, एंड इट्स, यू नो, इट्स मच मोर फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. Now we move on to the next hefty aspect, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, and that is your economic factors. Economic factors are very important. In fact, according to Karl Marx, economic factors are, you know, what have guided history. You know, something that he has called the materialist conception of history. जो आप बहुत पढ़ेंगे, you know, in your bachelor's degree, if you take if you don't take geography or psychology and you take history or political science or you know, sociology, then materialist conception of history aap bahut dekhenge, usme kafi difficult terms aayenge, dialectical materialism and all that. So according to Marx, puri history hi kya hai, economic factors se guided hai. So you know, you can agree or disagree with Marx, but economic factors are very important. You know, they are the deciding factors of everything. You are studying and you want to do so on and so forth. You know, previously, Blade Learner ne talk karai thi with, you know, our IS officer from Darbanga, and wahan pe discuss kare the UPSC kaise crack kare, and aur bhi career options jo aap dekhenge. The reason you're studying is because of some economic value that you will be able to generate later on in life. Theek hai? कुछ तो इकोनॉमिक वैल्यू, तो आपकी जो स्टडीइंग का रीजन क्या है, इकोनॉमिक यू नो बेनिफिट्स आप रीप करना चाहते हैं सम टाइम इन द फ्यूचर, नॉट नाउ. तो उसी तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डिसीजन मेकिंग में, कि हम कौन सी सिटीज में रहेंगे, कौन से यू नो विलेजेस में रहेंगे, या कौन सी कंट्रीज में रहेंगे. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में तीन दिए हुए हैं यहाँ पे, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन.
काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है, काफी सिमिलर है. इनफैक्ट यू नो समबडी माइट नॉट पुट देम अंडर डिफरेंट सब हेडिंग्स. काफी सिमिलर है. मिनरल्स से तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट होती है. इंडस्ट्रियल बेल्ट दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड अ वराइटी ऑफ पीपल लिव हियर. बैंक ऑपरेटर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा. तो डिवर्सिटी क्रिएट हो जाती है ऑफ पॉपुलेशन. एंड देन वी हैव अर्बनाइजेशन विच इज सिटीज. सिटीज क्रिएट होंगी जब वहाँ पर, जैसे कि फॉर इंस्टेंस लेट्स इमेजिन कि मिनरल्स पाए गए, तो वहाँ पर आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली. फिर आपकी अर्बन रीजन्स, इट्स नॉट नेसेसरी जहाँ मिनरल्स हो वहीं पर, वहाँ पर अर्बन रीजन्स भी क्रिएट होंगे. बाय द वे, ऐसा नहीं है कि राउरकेला इज द मेन सिटी इन इंडिया, ऑल्दो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, राइट. सो सिटीज कैन यू नो डेफिनेटली डिवेलप. राउरकेला बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सिटी, बट इज इट एज इम्पॉर्टेंट एज दिल्ली? नो. सिटीज में आपके और भी इम्पॉर्टेंट अर्बनाइजेशन में फैक्टर्स आ जाते हैं. पोलिटिकल बेस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. एक हिस्ट्री का भी फैक्टर आ जाता है. हिस्टोरिकली दिल्ली हैज़ बिन यू नो अ कैपिटल. कोलकाता हैज़ बिन अ कैपिटल प्रीवियसली. दीज आर इम्पॉर्टेंट सिटीज. कोनी को फिर पोलिटिकली, एजुकेशनली, कम्युनिकेशन वाइज डिवेलप किया गया, राइट. तो ये आपका अर्बनाइजेशन हो जाता है. नाउ मिनरल्स दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इन टर्न अट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट. नाउ इस पूरे चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू कोट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हर जगह देने, और एग्जाम्पल्स आपको कैसे देने, थोड़े तो आपको इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देने, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड किताब है. तो आपको इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देने हैं, जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, कतांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट. द सेकेंड विल चेंज द कलर. कतांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, ठीक है, कोबो ओसाका रीजन. तो इस तरीके से आपको ये रीजन्स मेंशन करने हैं. ऑलराइट, तो ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ दैट इन ह्यूमन ज्योग्राफी की जो आपकी बुक है उसमें ट्राई योर बेस्ट टू इंक्लूड वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड आंसर्स, ठीक है. तो जब आप इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं या एजुकेशनल या सोशल फैक्टर्स, तो आप ये मेंशन करें. अगर आपको दूसरे एग्जांपल्स बताएं तो आप वो मेंशन करें, ठीक है. कोबे ओसाका रीजन, कतांगा जाम्बिया, ठीक है. अगर मार्क्स इंप्रूव करवाना है और ज़्यादा मार्क्स का आंसर है तो यू कैन ड्रॉ दी मैप ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल उसका लोअर पार्ट, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाता है, मोजाम्बिक, ठीक है. ये क्या है आपका, साउथ अफ्रीका. हियर यू विल हैव नामीबिया. मैप बिल्कुल अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नीट एंड बिल्कुल ही अफ्रीका लगने लगा, बट आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है. यहाँ पे आपका आ गया बोत्सवाना, ठीक है. ये आपका जिम्बाब्वे, यहाँ पे आपका जाम्बिया है, ठीक है. और ये क्या है, अंगोला. एंड हियर इज योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो भी है. तो यहाँ पर आपकी कतांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट आ गई, ठीक है. तो इससे आपके मार्क्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे. कम से कम आपको एग्जामिनर एक आधा मार्क तो अच्छा देगा ही, एंड इवन दैट मैटर्स, ठीक है. तो एक मार्क भी बढ़ रहा है तो इट मैटर्स, राइट. कोबे ओसाका रीजन, अगेन जापान को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है. यहाँ पे आपका होकाइडो आ जाता है, ये मेन आइलैंड है. जापान में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बट मैं आपको मेन जो फोर आइलैंड्स हैं वो बता रही हूँ, ठीक है. सो दिस इज योर मेन आइलैंड, ये हो गया होकाइडो. दिस इज योर क्यूशु, होनशु एंड शिकोकू, ओके. एंड कोबे ओसाका रीजन यहाँ पड़ता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या रीजन है, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन. व्हाई डोंट यू टेल मी इन द कमेंट इंडिया का कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन, एंड दूसरे कंट्रीज का बताइए, एंड कोई मिनरल टाउन, मिनरल रीजन बताइए, अर्बन रीजन्स बताइए. गिव मी न्यू एग्जाम्पल्स इन द कॉमेंट सेक्शन. मिनरल्स में आप रूर पोल वैली के बारे में भी पढ़ेंगे, रूर रिवर वैली जो कि जर्मनी में जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट थी. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप कोट करिए कॉमेंट्स में, बाकी हम सब्सिक्वेंटली इन्हें देखेंगे ही ऑब्वियसली. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हमने कंसिडर कर लिया था. डिवर्सिटी ऑफ पीपल, वॉट डू वी मीन बाय डिवर्सिटी ऑफ पीपल, जस्ट अ सेकेंड. हाँ,
तो डिवर्सिटी ऑफ पीपल आपके बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज होंगी, तो तभी तो थिकली पॉपुलेटेड होगा रीजन, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. लेट मी जस्ट क्लियर दिस, राइट? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. पीपल लिव इन एरियाज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड दे मूव अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ पोलिटिकल अनरेस्ट. पोलिटिकल अनरेस्ट के रीजन्स अभी तक कौन से आ रहे हैं? हैवंट यू रेड अबाउट अफगानिस्तान इन द रीसेंट पास्ट? वॉट इज हैपनिंग इन यूक्रेन? दीज आर एरियाज ऑफ पोलिटिकल अनरेस्ट. एंड इससे क्या होता है, एक चीज आपको डिफ्रेंशिएट कर लेनी चाहिए यहाँ पे. एनी वन हु हैज टू फ्ली देयर होम टाउन, जस्ट अ सेकेंड, एनी वन हैज टू फ्ली देयर होम लैंड, दीज आर कॉल्ड रेफ्यूजीज. अभी हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. माइग्रेशन जो वर्ड है ज्यादातर किस चीज के लिए यूज होता है, कि वॉलेंटरली मैं इंडिया से कैनेडा जा रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी अ माइग्रेशन. बट वेन आई हैव टू फ्ली माई होम लैंड, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है मेरे घर की, मेरे आस पास के इलाकों की, पोलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, अब यू हैव टू बी अप टू डेट विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो. CUET आप लोग देंगे, so you have to be up to date with all of these developments that take place, kyunki ye aapko world geography, world history and in your work, political science, they will help you a lot, right? to holistically hame apni study karni hai to obviously social and economic factors wahan se aa jayenge. fir kya hota hai, of educational significance bhi ho sakta hai and of social significance, right? or culturally you think that United States is the land of the free, कि यहाँ पे यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो मेनी पीपल हु हैव द रिसोर्सेज, दे वॉन्ट टू माइग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों का डिसीजन डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ रहना चाहते हैं या नहीं. ऑलराइट, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी अ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है क्या इसका मतलब है. सो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज, ठीक है? अगर पॉपुलेशन आज 500 थी तो 1000 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है या घट भी सकती है, राइट? सो दिस इज योर पॉपुलेशन चेंज, या फिर उसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकती है. तो जब हम उसे नेगेटिवली कोनोट कर रहे हैं तो वो ये हो सकता है कि पहले 500 थी, अब ये, ठीक है, 300, राइट? एंड देन इट रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है? तो ओवर अ ईयर, over 6 months, whatever is our time period, over 10 years, जैसे census लिया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये definition clear होनी चाहिए, and these are the important points, ठीक है? You have reached this stage in your preparation, now the pre-boards and boards are coming up, you have to focus on the keywords, on the key points, क्योंकि it's your time to remember now, and to start practice answer writing, ठीक है? इसके बाद हमारे और videos आएंगे on हाउ टू अप्रोच द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे आंसर्स लिखें. बट अभी भी आप साथ साथ करते जाओ कि आपका अपना पढ़ने का तरीका ही आप उस तरीके से शेप कर लो कि अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स. नंबर ऑफ पीपल भी लिख सकते हो, पर वो इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है? इनहैबिटेंट्स एक ज्योग्राफिकल टर्म है, तो वो आप कोशिश करो यूज करो. ऑफ अ टेरिटरी, ये नहीं लिखना है नंबर ऑफ पीपल इन अ लैंड मास, ये सब नहीं लिखना है. यू हैव टू यूज द टेक्निकल वर्ड, अदरवाइज यू वोंट गेट गुड मार्क्स एंड देन यू वोंट गेट सिलेक्टेड इन सेंट स्टीफन्स, राइट? सो यू हैव टू राइट चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट? नाउ इस तरीके से आपने डेफिनेशन लिख ली, दिस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? वो कैसे होता है वो हम देखते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यस. हम उसे आज ऐसे भी कह सकते हैं कि आज इतने लोग थे और कल 2016 में इतने लोग थे एंड फिर आपका 2017 में ये हो गया, तो ये आपका चेंज है एब्सोल्यूट नंबर्स में आपने दे दिया. और आप ये भी कह सकते हो कि 75% इंक्रीज आया या 5% इंक्रीज आया, सो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन डिनोट, और यू कैन से 75% वाज़ द पॉपुलेशन नाउ ऑफ समथिंग एंड देन इट बिकेम 80% ऑफ समथिंग, जो भी एक्चुअल नंबर होगा, एब्सोल्यूट नंबर. तो परसेंटेज में भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, और एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स मतलब जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं उसमें भी आप बता सकते हो, ठीक है?
परसेंटेज हमेशा किसी नंबर का से लेते हैं, ठीक है, कि 500 में से मैं अगर परसेंटेज बता रही हूँ तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगी, राइट। लेट मी एक्सप्लेन इट। परसेंटेज इज पर 100, राइट। ये मैथ का वैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें से आई एम टेलिंग यू परसेंटेज कैन बी आउट ऑफ एनी नंबर, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी थिंग एग्जैक्टली। वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जब मैं कह रही हूँ 75%, इट इज 75% ऑफ समथिंग, तो हो सकता है 75% ऑफ दिस नंबर, तब जाके आपका एब्सोल्यूट नंबर आएगा, ठीक है। सो डोंट गो इन टू द मैथ टू मच, ठीक है। एनी वे इट्स नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड कि अब इसका परसेंटेज निकालो या ये करो। प्रैक्टिकल में हो सकता है कुछ पूछेंगे, पर वो आपकी टीचर आपको असिस्ट कर देंगी कि किस हिसाब से ज्योग्राफी प्रैक्टिकल होगा, अगर होता है अभी, ठीक है। इन माई टाइम देयर यूज टू बी अ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर फ्रेट नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से इस टाइप के फॉर्मूला वगैरह दिए। नो द बेसिक्स एट मैक्स, वो आपको सारी वैल्यूज देंगे कि पॉपुलेशन इतनी है, डेथ रेट इतनी है, अब बर्थ रेट निकालो, इफ एट ऑल दे आस्क यू एनीथिंग, ठीक है। वो सब कुछ गिवन होगा, आपको बस फॉर्मूला स्ट्रेट अवे अप्लाई करना हो, कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं होगा एट द मैक्स। नाउ पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑफकोर्स पीपल आर वॉट ह्यूमन रिसोर्स, एंड टू मेनी पीपल आर वॉट, टू मेनी पीपल आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन, राइट। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अगर पॉपुलेशन एक स्टेबल लेवल पे होगी या इंक्रीज होगी, वेयर द वर्किंग एज पॉपुलेशन विल इंक्रीज, राइट। वी हैड लुक्ड एट दिस इन व्हाट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, क्यों हो जाता है? वर्किंग एज, जो काम काजी लोग हैं उनकी जो एज है, वो एज ग्रुप जो है पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ गया। देन सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट तो होगी इफ देर आर गोइंग टू बी एज मेनी पीपल एज अ ह्यूमन रिसोर्स एंड देर प्रोड्यूसिंग यू नो मोर, एंड देन इफ देर प्रोड्यूसिंग मोर एंड कंज्यूमिंग मोर, दैट मीन्स दे विल ऑल्सो बी इन्वेस्टिंग मोर, राइट। एंड देर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, राइट। थोड़ा इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से भी देख लो, एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी इंडिकेट होते हैं उससे। क्यों होते हैं? आई विल टेल यू। कुछ सिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्टोरिकली। दिल्ली हिस्टोरिकली हमेशा से कैपिटल रहा, और यू कैन से कैलकटा जो अब तो कोलकाता है, हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट एज वेल, ठीक है। तो इसमें एक ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल चार्म है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है दिल्ली। हिस्ट्री के साथ साथ ही दिल्ली एज अ सिटी इमर्ज होती रही, डिवेलप होती रही, तो वो एक उसकी जो पॉपुलेशन चेंज आ रहा है वो इंडिकेट भी कर रहा है। एंड अगर किसी सिटी का मान लो यहाँ पे इंदौर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू दिस सिटी बिकॉज दे थिंक कि यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, शायद लोगों को ये लग रहा है, तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द हेल्थ ऑफ दिस सिटी और कंट्री और अ रीजन, राइट। सो इंडियन एग्जाम्पल्स के थ्रू आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, बट देर कैन बी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड। वेन एवर यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क, लंडन, ये एग्जाम्पल्स तो सबके दिमाग में आ जाते हैं ना, इसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है। कोबे या ओसाका रीजन तो याद ही नहीं आएगा, सोचते रहोगे तो टोक्यो लिख देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है, ठीक है। बट स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूछा है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। अगर मिनरल्स का पूछा है तो कतांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट ही लिखोगे, या कोई और आपको रीजन पता है, एपलेशन रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे आप लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल जो भी मेटल वहाँ पे प्रेवलेंट है, आई थिंक आयन ओर। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कई बार हो सकता है 2016 चल रहा है, 18, इस तरीके से हम देख रहे हैं भाई 5 सालों का या 4 सालों का ग्रोथ, और पॉपुलेशन यहाँ पे 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, यहाँ पे 5 हो गई, तो यहाँ ज़्यादा इंक्रीज आ गया, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे इंक्रीज आ गया। कई बार तो ये पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, पॉपुलेशन चेंज को ही हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हो सकता है 2016 में, अब यहाँ पे देखो मैं आपको, कि इतनी थी 5, फिर 2017 में हो गई 4, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो गई, तो इसको नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज ही है उसका मतलब, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रोथ रेट, इट इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज, ठीक है। जब हम परसेंटेज में पॉपुलेशन चेंज बता रहे हैं कि
5% पॉपुलेशन चेंज हो गई, हमें नहीं पता यार एग्जैक्ट नंबर में 5% क्या है. जब तक हमें आगे पीछे के एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, तब हम 5% कैसे निकालेंगे? 5% किसी चीज का निकालोगे, राइट? यहाँ अगर तुम्हें एब्सोल्यूट नंबर पता है, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि अच्छा इसका 5%, तो 5% रेफर्स टू दिस नंबर्स, ठीक है? बट अगर हम इसे सिर्फ परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं और उसे ग्रोथ रेट कहेंगे, ठीक है? द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंट. देन वी हैव नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम. व्हेन आई से टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, वही हो गया स्पेसिफिक पीरियड, 1 year, 5 years, और एनी पर्टिक्युलर पीरियड दैट आई हैव टेकन. द डिफरेंस, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट्स एंड द डेथ रेट्स, ठीक है? तो ये नेचुरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेचुरली पीपल आर गोइंग टू बी बॉर्न नो मैटर वॉट हैपन्स. एज अ टूल ऑफ इवोल्यूशन पीपल आर गोइंग टू बी बॉर्न एंड पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू डाई, ठीक है? वी आर नॉट इमॉर्टल्स. तो इस चीज को हम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. और जब हम ग्रोथ रेट कहेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में बता रहे हैं पॉपुलेशन का चेंज, ठीक है? नाउ मूविंग फ्रॉम हियर वी विल लुक एट द कंपोनेंट्स. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज विच आर मेनली योर बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन. इनके बिना आपको पॉपुलेशन का जो पूरा थीसिस है वो समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होगी. बर्थ्स, डेथ्स, ये इनएडवर्टेंट है. मतलब क्या, ये होगी ही नो मैटर वॉट. पीपल आर गोइंग टू बी बॉर्न एंड दे आर गोइंग टू डाई, दे आर गोइंग टू माइग्रेट. सो दीज आर द थ्री पिलर्स या टेनेट्स ऑफ द चेंज इन पॉपुलेशन. तो इसलिए से कंपोनेंट्स कहा गया. फिर हमारे पास आ जाता है क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, ठीक है? तो रेट कह दिया है तो क्या मतलब है? परसेंटेज में है ये, ठीक है, राइट? क्रूड का क्या मतलब है? इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स अ रफ फिगर, ठीक है? रिफाइंड नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, ये इतना रिफाइंड या पॉलिश्ड नहीं है जो डेटा, ठीक है? सो द रॉ बर्थ रेट और द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1,000 ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? सो पर 1,000 ऑफ द पॉपुलेशन. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? लाइव बर्थ्स इसका फॉर्मूला है ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है? एंड देन मिड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन क्यू, फुल ईयर क्यों नहीं? बिकॉज यूजली योर डेटा कम्स इन इन दिस, क्योंकि उस टाइम पे आपका मेन जो पीक है वो आता है मिड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? एंड देन ऑफ दैट एरिया इन टू 1,000, ओके? तो इसे क्रूड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट उस पर नहीं निकाला गया, 1,000 पॉपुलेशन से दिखाया गया. इट्स अ रफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट द टोटल, ठीक है? टोटल से नहीं निकाला गया, राइट? सो नाउ सिमिलरली योर बर्थ डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट भी निकलेगा सिमिलरली. अच्छा, ये हमने देखा था क्रूड बर्थ रेट एंड देन वी हैव क्रूड डेथ रेट, ठीक है? वो भी हम देख लेते हैं, फिर हम इसे इन टोटैलिटी समझते हैं कि क्या था, ठीक है? और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स, जस्ट अ सेकेंड, या पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग बर्थ रेट्स एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट्स. क्रूड डेथ रेट इज अ सिंपल, इंक्रीजिंग बर्थ रेट्स एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट्स क्यों कहा गया? इंक्रीजिंग डेथ रेट्स क्यों नहीं कहा? बिकॉज इफ डेथ रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज दैट मीन्स पीपल आर डाइंग, देन पॉपुलेशन विल रिड्यूस, इट विल नॉट इंक्रीज. सो इंक्रीजिंग बर्थ रेट्स एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट्स, ये याद रखना. एंड डोंट जस्ट से कि इंक्रीजिंग बर्थ रेट्स एंड इंक्रीजिंग डेथ रेट्स पेपर में जल्दी जल्दी में, ठीक है? डोंट डू दैट. बर्थ रेट्स आर इंक्रीजिंग बट डेथ रेट्स आर रिड्यूसिंग. देन वी हैव क्रूड डेथ रेट इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टैलिटी ऑफ अ गिवन एरिया. सो क्रूड मोर्टैलिटी बता रहा है, टोटल मोर्टैलिटी इसलिए नहीं बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग इट पर 1,000 पर्संस, राइट? एंड मिड ईयर पॉपुलेशन. तो इसमें भी सेम चीज होगी, नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन योर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन,
Because the flesh of the population we will understand in the middle of the year, right? Into your 1000, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें कुछ आएगा तो मोटा मोटा सारा डेटा दिया होगा, नंबर ऑफ डेथ्स भी दी होगी, एक आध फिगर और दिया होगा, एंड आपको सिर्फ डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करना होगा. मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा नहीं, बट इन केस इट हैपन्स एंड इट अपियर्स इन अ टू मार्कर, देन यू शुडन्ट बी टू स्केयर बिकॉज वी हैव रेड इट एंड देर इज नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड इन इट, ठीक है? एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, वहां पे घबराना नहीं इन द एग्जाम हॉल. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है आपका माइग्रेशन. डेथ रेट्स हमने देखा, अगर आपकी जो है डिक्रीज होती हैं तो आपका पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ठीक है? और बर्थ रेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ठीक है? अब माइग्रेशन को हम कैसे समझें, क्योंकि एक जगह से जाके तो आप दूसरी जगह ही जा रहे हो, नो बडी इज डाइंग हियर, ओके? सो इन दिस रीजन में भी न्यू पीपल विल यू नो बी एडेड, एंड इन अनदर रीजन पीपल विल बी रिड्यूस्ड. अगर इंडिया से कैनेडा जा रहे हैं लोग तो कैनेडा की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और इंडिया की उस कॉन्टेक्स्ट में कम हो जाएगी, ठीक है? वैसे तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी इजीली कम नहीं होती क्योंकि काफी लोग जा रहे हैं कैनेडा फिर भी, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्टेन पीपल तो रिड्यूस होगी बिकॉज सम पीपल आर माइग्रेटिंग टू सम अदर कंट्री, राइट? सो हियर इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पॉपुलेशन साइज इन्फ्लुएंस करते हैं, हमने देख लिया. इट इज मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस रीजन ऑन परमानेंट, टेम्पोरेरी और सीजनल बेसिस. इट कैन बी बोथ विद इन द कंट्री एंड इट कैन बी आउटसाइड द कंट्री और विद इन कंट्रीज, ठीक है? विद इन द कंट्री आपका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत होता है, ठीक है? कॉमनली होता है, ऐसा नहीं है कि अर्बन से कोई रूरल नहीं जाता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द केस. एंड एक्सटर्नली पीपल यूजुअली मूव टू द वेस्ट, फ्रॉम द ईस्ट दे मूव टू द वेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अपॉर्चुनिटीज. ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो फिर आप कहीं भी घूम लो, है ना? सो इट हैज अ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन ऑन अ परमानेंट, पीपल हु जस्ट परमानेंटली वॉन्ट टू वर्क सम प्लेस एल्स, परमानेंटली रहना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट द डोमिसाइल, दे वॉन्ट द रेसिडेंस. टेम्पोरेरी इज फॉर एजुकेशन, आप पढ़ने जा रहे हो किसी कॉलेज में किसी दूसरे शहर, ठीक है? सीजनल बेसिस, कई बार आपके फार्मर्स होते हैं, उनका हार्वेस्टिंग का सोइंग का एक पीरियड होता है, आफ्टर दैट उनके पास कोई काम नहीं होता रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो कई लोग अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कुछ ठेला ढाबा इस टाइप की जो फैसिलिटीज हैं अर्बन स्पेसेस में भी खोल सकते हैं या किसी दूसरे टाउन में जाके खोल सकते हैं, राइट? फॉर दी पर्टिकुलर पीरियड व्हेन दे डोंट हैव वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है? सो द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, सॉरी फ्रॉम, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओके? यहाँ पे आप ठीक कर लो, द प्लेस दे मूव फ्रॉम और द प्लेस दे कम फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, राइट? एंड देन वी हैव द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, द प्लेस दे कम फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है? सो फॉर इंस्टेंस ऋषि शोनक हैज बीन इन न्यूज, उनको कहा जा रहा है इंडियन ओरिजिन बिकॉज हिज एंसेस्टर्स वर फ्रॉम इंडिया, ठीक है? एंड द प्लेस टू जहाँ पे आप मूव कर रहे हो इज योर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है? सो फॉर हिम हिज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बिकेम द यूके, राइट? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी एक ही बंदे को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत सुनने में आता है दैट आई एम अ थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट, आई एम अ फलाना जनरेशन इमिग्रेंट. इमिग्रेंट मतलब मैं यहाँ का ओरिजिनली नहीं था, आई केम हियर, राइट? एंड एमिग्रेशन माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स. तो अगर कोई जापान से यूएस आया है तो जापान में उसको क्या कहेंगे? एमिग्रेंट, उसी बंदे को. और यूएस में उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट. एमिग्रेंट क्यों? क्योंकि वो जापान से चला गया, नॉट लिविंग इन जापान एनी मोर, हैज मूव टू द यूएस, राइट? सो दिस इज योर माइग्रेशन. ना इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, एंड थ्रू अ डिपिक्शन ऑफ दीज
इमेजेस ओनली आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजंस फॉर माइग्रेशन में आपका पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स, ठीक है, इसको आप ऐसे डंडा बना के अपना डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। पुल फैक्टर्स में आप लिखेंगे हेल्थ केयर, एजुकेशन, मनी, जॉब्स, सिटी लाइफ, फूड, पीस, ये सब ऐसे ड्राइंग बना के नहीं लिखना है। यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसे वन वर्ड्स नहीं लिखना है, अदरवाइज दे विल डिडक्ट योर मार्क्स। यू हैव टू राइट दैट द रीजंस फॉर माइग्रेशंस आर ऑफ्टन दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सम रीजंस हैव बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच इम्प्रूव वॉट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, एंड दैट इज वाई इट इज प्रिफर्ड बाय मैनी। Then we have education. Better educational opportunities mean better employment opportunities in the future. Informed citizens. ऐसे करके आपको उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। मनी में भी ऐसे जॉब्स, फूड, पीस, बिकॉज पोलिटिकल अनरेस्ट हमने देखा था कई बार एक पुश फैक्टर बन जाता है कि लोग वहां से भागना चाहते हैं। दे बिकम रेफ्यूजीज, दे फ्ली द रीजन, राइट। क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, फार्मर्स लाइफ इफ इट इज इन डेंजर, फार्मर्स सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, पीपल विल मूव अवे फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है। विद दी एलपीजी रिफॉर्म्स वी हैव सीन दैट मोर एंड मोर फार्मर्स दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम फार्मिंग एंड इन टू मोर लिबरलाइज्ड सॉर्ट ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइजेस, कमर्शियल चीजें करना स्टार्ट कर दी। इंडस्ट्रीज को ज्यादा उन्होंने सोचा ये बेटर है कई बार, बिकॉज फार्मिंग में इतनी सुसाइड हो रहे थे, इतनी रिफॉर्म्स की जरूरत थी। देन वी हैव वॉर, पॉवर्टी एंड दीज आर गोइंग टू बी योर मेन पुश फैक्टर्स। अगर आपको और भी पुश फैक्टर्स पता है, पुल फैक्टर्स पता है, सो यू शुड मैंशन दैट इज वेल इन द कॉमेंट सेक्शन। सो आप लोगों ने देख ही लिया होगा दैट आई लुक वेरी फ्रेश एंड देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वॉट इज द रीजन बिहाइंड मी लुकिंग दिस फ्रेश? बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड दिस लेक्चर लेटर आफ्टर अ ब्रेक। सो ये क्या कहना चाहती हूँ मैं, दैट यू शुड ऑल्सो टेक अ ब्रेक इफ यू फील लाइक इट। राइट नाउ इज अ गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू शुड कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो, राइट। सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यू नो यू कैन ईट समथिंग यू वॉन्ट टू, यू कैन जस्ट यू नो वॉश योर फेस और समथिंग, टेक अ वॉक एंड ड्रिंक सम वाटर एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ब्रेक। बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि बोर्ड्स के लिए यू हैव टू स्टडी फॉर 5 आवर्स टू 10 आवर्स एंड वॉट नॉट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक्स लें, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू रिमेम्बर इट। याददाश्त कम हो जाती है इफ यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली स्टडिंग फॉर इट, नॉट स्लीपिंग वेल, नॉट ईटिंग फूड वेल एंड नॉट ड्रिंकिंग। सो इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर मेंटल स्टेट, राइट। So, take a short break and then we will get back at the trends in the population growth. So, all right, guys, we are done with a 2-minute break. If you want to take a longer break, then you should pause this video and take a longer break, but nothing more than 10 minutes because फिर वो कब आधा घंटा बन जाता, you never know. So, now we are going to start with the next topic. In this particular section, important topics are going to be your, wait a second. Important topics are going to be the demographic. Oh, zyada ho gaya, zyada highlighted. The important topics will be the demographic transition. Ye topic is not just necessary from a board's point of view. Even later on, when you prepare for a bunch of exams, this topic is going to be quite significant, right? I mean, if you wish to, if you don't wish to prepare for exams, that's all right. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और हम पॉपुलेशन का ग्रोथ का इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट, और साथ साथ हम ये भी फिगर आउट करेंगे कि इसको पॉपुलेशन कंट्रोल की भी सर्टन मेजर वी विल बी लुकिंग एट। बिकॉज ऑल्दो पॉपुलेशन कैन बी अ मेजर एसेट, देर आर टाइम्स व्हेन इट बिकम्स लायबिलिटी एज वेल, टू मच ऑफ इट, राइट। सो उसको भी कंट्रोल में रखना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। Now, trends in population, this diagram will only confuse you, to be honest. So, we'll come here and try to understand ki first chapter mein humne kaise dekha tha ki kis tarike se bahut zyada air of navigation, air of travel, air of exploration, Europe mein, khaskar ki aur
15th सेंचुरी 16th सेंचुरी यूरोप में इमर्ज हो रही थी, एंड उस टाइम पे रूलर्स थे यूरोपियन रूलर्स हु वर पेट्रोनाइजिंग एक्सप्लोरेशन एंड ट्रैवल एंड फाइंडिंग न्यू लैंड्स. एंड उसी टाइम पे आपका वर्ल्ड ट्रेड भी फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होने लग गया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. ये टाइम था जब पोर्चुगीज इंडिया आए, राइट? पोर्चुगीज केम टू इंडिया, देन सब्सिक्वेंटली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड योर अदर्स लाइक द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल ऑफ दीज वर कमिंग इन. ये इनका मेन गोल क्या था? ट्रेड. दीज वर बेसिकली ट्रेड कॉर्पोरेशन, दीज वर कमर्शियल बॉडीज. दिस वॉज नॉट नेसेसरीली द ब्रिटिश क्राउन, राइट? तो ये हमने नोट किया ही था लास्ट चैप्टर में जब हमने पूरा देखा था ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कनेक्शन, तब हमने इस चीज़ को फिगर आउट किया. वही सेम चीज़ से हम ट्रेड को समझेंगे कि 16th एंड 17th सेंचुरी में एक स्टेज सेट होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी. ये जो पहले ट्रेड चल रहा था इसको कहते थे मर्केंटलिज्म, ठीक है? फिर वहां से हम पहुंचते हैं टुवर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अराउंड द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्ज होता है. ब्रिटेन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज एंड देर आर सेवरल रीजंस फॉर इट, जो कि हमें नहीं पढ़ना है अभी. दैट यू शुड रीड इन योर हिस्ट्री लेक्चर्स. एंड विद दैट केम योर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, एकदम पॉपुलेशन बूम जिसको कहते हैं ना. लंडन बिकेम द मैग्नेट ऑफ द वर्ल्ड एंड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, इम्पॉवरिशमेंट भी था ऑफ वर्कर्स, ठीक है? एंड चार्ल्स डिकन्स सबको याद आते होंगे, उनकी जो नॉवेल्स हैं जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट, वो पॉवर्टी की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजिंग, एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है बट एट द सेम टाइम द वर्कर्स, द चिल्ड्रन, वुमेन, एवरी वन वॉज बींग इम्पॉवरिश्ड. मतलब हालत ख़राब हो गई थी पॉवर्टी के चक्कर में, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हाई थे, ठीक है? और फिर रिफॉर्म्स भी हुए इस सेक्टर में, तो चार्ल्स डिकेंस बहुत लिखा करते थे इस बात पे. तो 1750 के अराउंड वी हैव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? द डॉन, द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इतनी हमारी पॉपुलेशन थी, 550 मिलियन, राइट, ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंग्लैंड. And the world population exploded in the 18th century after the Industrial Revolution. क्योंकि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो तो सिर्फ शुरुआत थी, फिर सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एंड फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आज तक हो रहा है, राइट? एंड द मेजर कॉज फॉर द क्लाइमेट इशूज दैट आर इमर्जिंग टूडे इज द ग्लोबल नॉर्थ. ग्लोबल नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई दी वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है? तो उसमें पोलिटिकल डिबेट्स में हम नहीं जाएंगे. टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट थी, सो फार हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ द डेथ रेट एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ. ऑल्दो वर्कर्स वर बींग इम्पॉवरिश्ड, एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी डिवेलप हो रही थी जिसमें कि साइंटिफिक टेम्पर था, साइंटिफिक टेम्पर एंड बेटर, यू नो, advances were taking place in the field of medicine also, jiski wajah se people were not dying as much and we see ki death rates were reducing and standard of living was also improving for some people. With capitalism main argument to yahi hai ki standard of living increase ho jata hai, improve hota hai due to laissez faire and others. तो ये चीज़ भी हो रही थी जिसकी वजह से धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती गई. एंड नाउ वी आर एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज, क्योंकि हमारे पास सारी मेडिकल एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ भी हैं, हमारे पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पहले से बेटर, बहुत बेटर. तो इसकी वजह से योर डेथ रेट्स आर हैव डिक्रीज्ड कंसिडरेबली, राइट? What do we mean by doubling time of world population? Doubling time का यही मतलब है कि आज अगर मेरे पास 50 rupees हैं तो कब तक मेरे पास 100 rupees होंगे. तो ये double हो गया ना इसका, 15 into 2 हो गया. तो doubling time of world population क्या है? इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आबादी है, तो ये कब double होती है, इसका कब वो time आता है? तो हर जगह का एक वेरिएशन है, कोई सेट टाइम नहीं है कि इतने टाइम में पॉपुलेशन विल डबल.
इट्स नॉट समथिंग दैट ज्योग्राफर्स और अदर्स कुड टेल कि इतने टाइम में ही इट विल डबल. इट कैन बी प्रोडिक्टेड बट इट शोज अ लॉट ऑफ वेरिएशन अमंग रीजन्स. ठीक है, डिफरेंट रीजन्स विल शो डिफरेंट वेरिएशंस. जैसे कि डिवेलप्ड कंट्रीज का सीन अलग होता है और डिवेलपिंग कंट्रीज का सिचुएशन अलग होता है. ठीक है, वी हैव अदर प्रॉब्लम्स. हमारे यहाँ तो अभी भी हंगर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इक्वालिटी, हम अभी भी इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी लुक एट द डेवलपिंग वर्ल्ड, वाइस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज, उनके ये प्रॉब्लम्स नहीं है. उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, उनके प्रॉब्लम्स कैपिटलिज्म से रिलेटेड हैं. ठीक है, एक हायर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, तो उनका जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगा. उनकी एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, एंड गिवन द फैक्ट दैट इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज भी होती हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज, तो उस चक्कर में क्या होगा, देयर कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, देयर आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग, देयर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. ओके, सो दे विल टेक मोर टाइम, द पॉपुलेशन देयर विल टेक मोर टाइम टू डबल व्हेन कंपेयर टू अ टू एन ईस्टर्न कंट्री, राइट, और अ डिवेलपिंग कंट्री. नॉट ऑल ईस्टर्न कंट्रीज आर डिवेलपिंग, जस्ट जापान इज अ डिवेलप्ड कंट्री, सो नॉट ईस्टर्न बट डिवेलपिंग कंट्रीज, राइट. नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है. इस क्वेश्चन का अगर आप सवाल दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्सप्लोडिंग, राइट इट इन 5 पॉइंट्स, एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट यू सजेस्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हम आगे देखेंगे. तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो आप इन्हें मेंशन करें इन द कॉमेंट्स. व्हाई डोंट यू राइट 5 पॉइंट्स? इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट. 2 दिन बाद आके लिख लेना आंसर यहाँ पे. But try to do it, because writing practice is also very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ एग्जाम में देखा हॉल में और कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखें, right? Now we move on to the next next topic, not the chapter. Spatial pattern of population change. Spatial term कितनी बार ही use हो गया ना, मैंने 10 बार बता भी दिया. Spatial pattern of population change. इससे काफ़ी explain हो सकता है कि कितना doubling time होगा. We can predict, because we can never exactly tell, but we can predict. तो यहाँ पे spatial pattern of population change में ये होगा that, as I was saying, there is a negative correlation between population growth and economic development. A developed country is going to be better placed economically. Employment opportunities उनके पास better होंगे, ठीक है, एजुकेशन बेटर होगा, न्यूट्रिशन बेटर होगा. ठीक है, एंड हाउ डज दैट अफेक्ट, नेगेटिव रिलेशनशिप है. जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली डिवेलप्ड होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी कम होगी, बिकॉज पीपल नो, पीपल आर थिंकिंग अबाउट, यू नो, हैविंग अ चाइल्ड. इट्स नॉट कि भाई हो गया एंड दिस इज भगवान की देन, या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट इट दैट ओके, नाउ इफ यू वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड, are we really wanting to have a child, will the child bring us happiness, will we be able to take care of the child, uska education kaise hoga, etc, etc. So there is this negative relationship that population jab increase hogi growth, so that means economic development bhi kam ho raha hai. Theek hai, shayad itna nahi hai. Now although the annual rate of, this is not the case all the time, but mostly ye notice kiya gaya. Although the annual rate of population change seems to be low, it is actually not so. This is because when a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. And even if the growth rate continues to decline, the total population grows each year, the infant mortality rate may have increased, as has the death rate during childbirth. Right. तो इतना सारा ये क्या बोल दिया है ना, हम इसे ब्रेक करके पढ़ेंगे. व्हेन एवर यू रीडिंग, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि ये इतना लंबा चौड़ा क्या है. यू विल हैव टू ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक एवरी सेंटेंस इन बिटवीन, एंड देन फिगर इट आउट. तो कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. एज आई हैड सेड, व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, ये हमारा रीजन है, एंड इसमें हमारी पॉपुलेशन लेट्स से इतनी वेरी लार्ज,
पर उसकी जो ग्रोथ है वो कम कम हो रही है. ये हो गया 2016, 2017, 2018, 2019. ठीक है, नाउ द पॉपुलेशन विल यूज अ डिफरेंट कलर पेन. सो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 2%, और लेट्स से 2% ज्यादा हो गया. ओहो, आई क्लियर द होल थिंग. एनीवे, दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन 2016, 17, 18. ओके, सो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय अ वेरी लो मार्जिन, 0.5% इंक्रीज हो रहा है या 0.2, एंड इट्स जस्ट बहुत कम कम चेंज आ रहा है पॉपुलेशन. फिर भी आई थिंक इसका जो भी, अगर इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो उसका हाफ या 0.5% भी तो कुछ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, कुछ तो नंबर आ रहा है ना यहाँ पे. लेट्स इमेजिन अ हाइपोथेटिकल नंबर, 5, 10, 12. ठीक है, तो कुछ तो, ये तो खैर नंबर्स थोड़े बड़े हो गए, बट लेट्स से 5 भी ज्यादा हो गया. तो लेट्स जस्ट इमेजिन कि ओके, लेट्स जस्ट इमेजिन इन टर्म्स ऑफ पीपल, 5 people, 6 people, 7 people, फिर भी बढ़ रहा है. एंड एज अ कंपेरिजन टू द ओवरऑल पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है तो उसका 0.5% भी ज्यादा होगा. बट अगर पॉपुलेशन ही 2 million है तो उसका 0.5% इसके 0.5% से तो कम ही होगा. राइट, लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड एक्सप्लेन. एक जगह की पॉपुलेशन है 5 million और एक जगह की है 2 million. और यहाँ पर अगर साल में दो ऐसे 0.2% इंक्रीज, 0.1% इंक्रीज हो रहा है या 0.5, और यहाँ पर अगर सेम इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन, तो यहाँ की पॉपुलेशन तो ज़्यादा ही बढ़ेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू दिस, और ये तो कमी थी शुरू से. तो इसमें कितना भी चेंज आए, इट विल बी लेसर दैन दिस. राइट, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर. तो ये सिचुएशन है. अगर पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ गई 0.1%, तो मतलब इंडिया की आबादी भी तो देखेंगे ना कि कितनी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया फॉर इंस्टेंस, जहाँ इतनी आबादी है ही नहीं. तो हमारा तो 0.1 इंक्रीज भी काफी होगा, यू नो, टू एक्चुअली टेक द पॉपुलेशन टू अनदर लेवल. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे. When a small annual rate is applied to a very large number, it will lead to a large population change. Done. Even if the growth rate continues to decline, the total population grows each year. है ना? अगर growth rate मान लो 0.2 थी in 2016, in 2017, फिर 0.1 हो गई, फिर 0.02 हो गई, फिर 0.01. भले ही ये जो ग्रोथ रेट है ये डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ये है तो ग्रोथ ही रेट ना, ये कुछ तो डिपिक्ट कर रही है. ग्रोथ कह रहे हैं इस साल इतनी हुई, इस साल इतनी हुई. ऑन अ स्केल अगर हम इस तरीके से देखें तो देन इट इज डिक्रीजिंग. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ तो इंक्रीज हो ही रहा है ना. इन 2017 इंक्रीज तो हुआ ही, भले ही ये पिछले 2016 के साल से कम है, बट एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ तो हो रहा है. भले ही इट इज डिक्लाइनिंग यहां से यहां तक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यहां से यहां तक डिक्रीज हो तो रहा है जरूर, बट इंडिविजुअली जब आप देखेंगे इस सिचुएशन को, देन यू विल रियलाइज कि कुछ तो भले ही कम भी हो रहा है ग्रोथ, पर ग्रोथ हो रही है इररिस्पेक्टिव. राइट, सो द टोटल पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ईच ईयर. इन्फेंट मोर्टैलिटी क्या होती है, कॉमेंट्स में आप लिख के बताएंगे. दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन न्यूमरस टाइम्स इन ज्योग्राफी, इन क्लास 9 and 10 भी आपने पढ़ा होगा ये. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मे हैव इंक्रीज्ड एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. तो चाइल्ड बर्थ के टाइम जो मदर्स हु आर डाइंग और द चिल्ड्रन, आई मीन नाउ दैट द चाइल्ड बर्थ इज टेकिंग प्लेस आफ्टर सम टाइम या फिर उसी टाइम के दौरान व्हेन द मदर डाइज. Now this line is something that we must read again, that the infant mortality rate may have increased as has the death rate during
चाइल्ड बर्थ। तो इवन इफ दी ग्रोथ रेट इज लोअर्ड, पॉपुलेशन फिर भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। एंड उसके साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं, हो सकता है इसलिए ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है क्योंकि देर आर अदर कॉजेज लाइक इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, राइट, मे बी दैट हैज इंक्रीज्ड, है ना, मे बी द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हैज इंक्रीज्ड एंड दैट इज वाई आपका डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसके मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है, ओके, कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई हैं दैट पीपल आर लिविंग लॉन्गर, नो, देयर कुड बी अदर फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग दैट एज वेल, राइट। सो दैट इज समथिंग, यू नो, दैट इज द फूड फॉर थॉट। तो यहाँ पर ये सेगमेंट आ जाता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बर्थ रेट, इट इज ऑल्सो अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डेथ रेट, जहाँ से आपको देखना चाहिए, एंड माइग्रेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था पहले। नाउ कॉमेंट सेक्शन में आप बताने वाले इन्फेंट मोर्टैलिटी, बट एनी वे मोर्टैलिटी वर्ड आपको समझ में ही आता है, हम सब मॉर्टल्स हैं एंड इन्फेंट्स आर, यू नो, बेबीज दैट डू नॉट रीच द एज ऑफ वन, ठीक है। So if more babies in this age group are dying, that is a sign. Population to fir decrease hogi, but that is a negative sign that kids and babies and mothers are not getting the right nutrition, they are not getting the right care, health care. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे factors आ जाते हैं. So this is a simplified version of this whole thing. Impact क्या होता है of population change? A small increase in population is desirable in a growing economy, of course. People are a human resource. Human resources hote hain people. So obviously we need people. People make the country. However, population growth beyond a certain level leads to problems. No doubt about that. Phir kya ho jata hai? Overpopulation. Aur kya ho jata hai? Straining of resources. जो कंट्री के और रिसोर्सेज अदर देन ह्यूमन बीइंग्स, लैंड, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम पड़ने लगेगा, ओके। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस, है ना। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न एज इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज दैट हैड प्रीवियसली सपोर्टेड अ पॉपुलेशन आर नॉट सफिशिएंट नाउ, राइट। और डेडली डिजीजेज जब होते हैं, जैसे कि COVID-19 अभी आया था, HIV, AIDS epidemics, सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इशू है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ डिपेंडेंट स्टेट्स एंड एशिया हैव पुश्ड अप डेथ रेट्स एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोविड के बाद से स्पेशली हार्ट डिजीजेज हैव इंक्रीज्ड। आपने सुना ही होगा दैट सो मेनी एक्टर्स, सो मेनी, यू नो, पॉपुलर इंडिविजुअल्स आर डाइंग ऑफ हार्ट डिजीजेज, स्पेशली सीन इन मेन। So, reduce हो रही है life expectancy, reduction of life expectancy and the standard of living. Now we have to wear a mask. I mean, not that everyone wears it, अब तो कोई पहन नहीं रहा है. But obviously there has been this atmosphere of stress and anxiety, जो कि था. So people's mental health is also getting affected, right? So this has definitely affected the population and COVID ke chakkar mein and other diseases, HIV AIDS and many other, swine flu wagaira aaya tha. All of these have affected human populations, right? And their growth rate and the overall standard of their living, right? Now we move on to the important topic of the day, quite significant, और ये है आपका demographic transition, और इसमें ये diagram भी important हो जाएगा, जो कि मैंने next slide में भी include किया, वहाँ हम अच्छे से समझ सकते हैं with the diagram, क्योंकि points भी side by side हैं। तो ये एक theory है to describe and predict future population of any area, जैसे Malthus का model था of population change, Malthusian model, which we often talk about in सोशियोलॉजी एट्सेट्रा, वैसे ही ये भी एक ज्योग्राफर्स के द्वारा यूज करी एक थ्योरी है, ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक क्या है? रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड इट्स स्टडी। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एंड प्रिडिक्ट करने के लिए जो ज्योग्राफर्स एट्सेट्रा एम्प्लॉय करते हैं, अदर स्कॉलर्स ऑल्सो एम्प्लॉय इट। नाउ द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई, ओके, लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर।
फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स, बर्थ रेट्स हाई है ऑलरेडी, हाउ डू आई डिपिक्ट हाई, आई जस्ट राइट एच. फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ रेट्स, बर्थ्स एंड डेथ्स, तो डेथ रेट भी डिक्रीज होती है. तो ये थियोरी एक्सप्लेन करती है कि ये चेंजेस क्यों आते हैं इस तरह के, ड्यू टू प्रोग्रेस. ठीक है, प्रोग्रेस होता है पहली बात. तो फिर क्या होता है, प्रोग्रेस आपका डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा. और यहाँ पर आ गया आपका रूरल एग्रेरियन से हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, टू अर्बन इंडस्ट्रियल. ये कब हुआ था, ये हमारे यहाँ एक बहुत ही यू नो हायर नंबर पे कब होना शुरू हुआ था, इन योर 1990s विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ, व्हाट आर दोज रिफॉर्म्स कॉल्ड, एलपीजी रिफॉर्म्स. तो ऐसे आप कनेक्ट करते करते पढ़ेंगे कि आपका उसमें क्या हो जाएगा. फिर पॉलिटिकल साइंस भी कवर हो रहा है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स आपको याद होंगे. एंड डोंट बी वेरी शाय, एग्जाम हॉल में जब आपको कुछ थोड़े यू नो ऐसे यूनिक या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए तो आप मेंशन करो, द एग्जामिनर विल इन फैक्ट बी हैप्पी. उस पर ही पूरा आंसर नहीं लिखना है, बट समवेयर यू कैन मेंशन एग्जाम्पल दैट ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स आवर इकोनमी ओपनड अप एंड वी मूव्ड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड दैट अफेक्टेड आवर डेमोग्राफी. एंड हमें क्या दिखता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, राइट. तो ये चीज हमें समझ में आई. दीज चेंजेस दे अकर इन थ्री स्टेजेस, जिसे हम डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं, और उस पर अभी हम आते हैं. फिर हम ये एग्जाम ड्रॉइंग को, डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं. सो हियर वी हैव आवर डायग्राम एंड द पॉइंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेजेस दिख रहे होंगे, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, राइट. आप स्टेज वन में क्या होता है, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा ये बर्थ रेट है, ठीक है, और यहीं पे डेथ रेट इसमें ऐसे इस तरीके से देखो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं. यहाँ पे इफ यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर हाई, बर्थ रेट इज हाई बिकॉज फर्टिलिटी इज हाई, पीपल आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट मोर, एंड एट द सेम टाइम मोर्टेलिटी इज ऑल्सो हाई. बर्थ रेट डेथ रेट वर्ड्स यूज करते करते अगर आप थक जाएं तो आप क्या यूज करें, फिर words like fertility, mortality, both of these are high. Now these are two high birth rates kyun hai, kyunki people are dying more due to epidemics, and pehle se heja phailta tha, log usi mein mar jaate the, kuch bhi ho raha hai is tarike ka, bukhar aa gaya to usi mein mar gaye, famines wagaira ho gaye, to life expectancy at that point was anyway lower. Okay, life expectancy was lower, right. Now, this the death, the birth rates were higher to compensate for the death rates, and you know population growth was also slow. Most of the people, they were engaged in agriculture, where large families are an asset. More children means more hands to work. This was the ideology, and is chakkar mein. Many kids were being brought to this world, right? So this is an important understanding among many sections of Indian society. More children means more hands to work, right? Now the population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture, and yeah, families are an asset. So birth rates and death rates dono high hain. ठीक है, तो इस चक्कर में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो स्लो है. ठीक है, इस तरीके से कुछ डिपिक्टेड है इन दिस स्टेज, राइट. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो है, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी. 200 ईयर्स अगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज. फिर आता है चेंज, ठीक है, फर्टिलिटी शुरू में इस पीरियड के हाई रहती है, ये आपकी बर्थ रेट, ठीक है. सेकेंड स्टेज ये हो गया, ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड. यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इज योर ओरिजिनल, ठीक है, हाई फ्लक्चुएटिंग, दिस इज योर एक्सपैंडिंग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज, एंड देन यू हैव योर लो फ्लक्चुएटिंग. यहाँ पर फर्टिलिटी शुरू में हाई रहती है, बट धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन.
ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो है मेडिसिन एंड दूसरी फील्ड्स में एडवांसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो डेथ रेट है वो भी लोअर हो रही है, राइट? एजुकेशन में एडवांसेस हो रहे हैं, ठीक है, इफ नॉट एजुकेशन एटलीस्ट सैनिटेशन में तो हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से योर डेथ रेट्स आर डेफिनेटली इंक्रीजिंग एंड थोड़ी अवेयरनेस आती जा रही है लोगों, टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, तो हाई मोर्टैलिटी तो कम हो रही, डेथ रेट अब आपकी मोर्टैलिटी इज लोअर, रिड्यूस्ड मोर्टैलिटी रेट, इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई. इसके बीच का जो डिफरेंस है द नेचुरल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज हायर. ओके, द नेट एडिशन जो आप सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों के बीच में लाते हो दैट इज हायर कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी और स्लो ही हो रही थी, भले योर डेथ रेट्स एंड योर बर्थ रेट्स वर हायर, पर जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मरते भी तो जा रहे हैं, तो एडिशनल नेट इंक्रीज क्या है? कुछ नहीं हो रहा, इतना ज्यादा नहीं हो रहा, एक स्टेडी लाइन बन रही है. वाइल यहाँ पर इफ पीपल इफ 100 पीपल आर बीइंग बोर्न सो ओनली 50 आर डाइंग, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 50 का चेंज आ रहा है, दिस इज द नेट एडिशन, ठीक है, तो नेचुरल इंक्रीज भी ज्यादा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है एक्सपैंडिंग, ठीक है. और ये कंट्रीज का भी एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट स्टेज में बांग्लादेश, ट्राइबल रीजन्स, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स में भी, इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, हियर वी हैव पेरू जो कि इसकी शुरुआत वाली स्टेज में फॉल करेगा, श्रीलंका एंड केन्या इज हियर जहाँ पे डेथ रेट्स हैव बिन लोअर्ड एंड बर्थ रेट्स ऑल्सो हैव बिन सब्सटैंशली लोअर्ड, एंड देन लो फ्लक्चुएटिंग में आपका आ जाता है कैनेडा, जापान एंड US, राइट, बिकॉज दीज आर वॉट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So birth rates are lowered and death rates are also lowered. Which are the countries for it? Canada, Japan and the US. ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट स्टेज. बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल, सॉरी अबाउट दैट, और ग्रो स्लोली, द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, literate and has high technological know-how and deliberately controls the family size. So ab ye log is awareness pe aa gaye to control and to understand what is a family and family size. These are responsible people trying to have kids, right? And now I'll change the pen. This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. In the present day, different countries are at different stages of demographic transition. So you're going to tell me, where is India? In the comment section, you're going to tell me about India's demographic state. Where are we? In which stage are we at the moment? Right? Now we are finally up for the next slide, and that is your population control measures. This was a pretty long chapter for sure, क्योंकि इसमें कुछ conceptual understanding थी. अब हम last point पे आ गए हैं, जो कि इतना भी difficult नहीं है, only 3 to 4 points. Yeah, so whenever you will be asked in the exam, तो ये जो question है ना population control measures का, ये usually एक conjunction में आएगा with a broader question, जैसे explain spatial distribution of population or something like that, and then talk about the population control measures. Family planning is the key word here. Space karna or preventing the birth of children, spacing it over 3 years, age gap between the two kids that you're having or three kids or whatever the case is. Access to family planning services is important in limiting population growth and improving women's health. So ye kaise hoga? Through workshops in your rural areas and in urban areas as well, sex education, having education around sexual intercourse when it comes to having this education in schools and colleges, right, and even beyond that. Then propaganda, free availability of contraceptives and tax disincentives for large families are some of the measures, kyunki China mein I think use hota tha, where they had the one child policy. That if you have another child, you will have to pay a fine or you would have to
प्रॉबली देर आर अदर स्ट्रिक्ट मेजर्स एज वेल. थॉमस माल्थस के बारे में हमने थोड़ा सा आई हैड डिस्कस्ड. ही हैड स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, सो ही वाज टेरिबली रॉन्ग. ठीक है, ऑल्दो ही वाज राइट इन द सेंस दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स. ओके, सो वी शुड ओनली यूज एज मच एज वी नीड एंड नॉट फॉर आवर ग्रीड, राइट? सो एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन crash caused by famine, disease and war. So this was true at a certain point, but ha, with increasing population, resources are going to be strained. And diseases will spread quickly, as we have seen in the case of COVID-19. And there could be a fight over resources in the future, perhaps. And there is going to be climate politics, geopolitical wars, है ना? तो इस तरीके से आप expand करोगे. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता. आपको आता है सब कुछ, आपको बस उसको कॉमन सेंस में डाल के इमेजिन करना है और सोचना है. अपने आप आपको वर्ड्स आएंगे फ्रॉम योर कॉमन लाइफ, फ्रॉम एनी न्यूज पेपर्स और फ्रॉम द यू नो फैमिली मेम्बर्स आपस में अराउंड आपके अराउंड बातें करते हैं. उसी से काफ़ी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी. द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर दैन द फिजिकल चेक्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज. द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हम इस सेंचुरी को जो 21st century है उसको हम क्या चाहते हैं कि एशियन सेंचुरी हो, जो कि कई हद तक होगी भी. Because China is going to lead it, China, Japan and others, but we want India to also play an important role. So India ke liye bahut important hai ki apne population ko well fed rakhe, use control kare aur development pe dhyan de, ethical development, taki hum is point pe pahunch paye, right? Sustainable future, sustainability. Sustainability is a buzzword and it is a very important word these days. Theek hai? सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस चैप्टर. इसके बाद हमारा चैप्टर जो आएगा वो है चैप्टर 3, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे पॉपुलेशन के, कि किस तरीके से कंपोज हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड डिफरेंट कंट्रीज में क्या ट्रेंड है. तो वी विल बी एक्सपेंडिंग ऑन दैट. एंड उसके बाद हम ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? तो वहां से भी कोई पॉइंट्स मिले तो आप इस आंसर में डाल सकते हो पॉपुलेशन वाले में. ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट इन कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड यू हैव टू मेक इंटरलिंकेजेस एंड कनेक्शंस. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस चैप्टर. वी विल बी मीटिंग सून अगेन विथ चैप्टर 3. सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक, एंजॉय योर स्टडी. बाय.